अस्सलाम वालेकुम हाँ दिस इज अवेस एंड इन दिस वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं हेपेटाइटिस के बारे में सो एज़ वी नो के हेपेटाइटिस और इन शॉर्ट लिवर इन्फेक्शन इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट डिजीज़ और ये बहुत ही सवियर है एज़ फार एज़ द पैथोलॉजी इज़ कंसर्न तो आज हम लोग इस वीडियो के अंदर इस डिज़ीज़ की जितनी भी स्टडी है विच इज़ पैथोजेनेसिस पैथोलॉजी खासतौर पर कम्पेरेटिव वायरोलॉजी बिकॉज एज वी नो के इट इज़ एन इन्फेक्शन ऑफ़ लिवर विच इज़ कॉज बाय वायरस तो आज हम लोग खासतौर तौर पर वायरस को डिस्कस करेंगे और इस डिज़ीज़ को पूरी तरह से समझने की कोशिश करेंगे इन मल्टीपल वीडियोज़ जो वायरोलॉजी है मतलब कि एज वी नो के हेपेटाइटिस इज़ एन इफेक्शन ऑफ लिवर विच इज़ कॉज बाय वायरस तो हम लोग उस वायरस को फोकस करेंगे कि वो कितने किस्म के वायरसेस हैं उनकी क्या क्या क्लासीफिकेशन हैं क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं और उन तमाम को उनकी क्या क्या लाइफ साइकिल है खासतौर तौर तो पर उन चीज़ों को डिस्कस करेंगे और हम लोग इस वीडियो में वायरोलॉजी का फोकस करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उन वायरस के कॉज की हुई डिजीज विच इज़ हेपेटाइटिस उसके ऊपर डिटेल में डिस्कस करेंगे उसकी पैथोजेनेसिस उसके सिम्टम्स वो किस तरह से अपेयर होते हैं उसको डायग्नोस किस तरह से आप कर सकते हैं एंड ऑल ओवर द डिस्कशन हम लोग इन दो वीडियो में करने वाले हैं सो बगैर किसी देर के आइए डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। so know, और हेपार्ट और कि आइटिस मतलब हेपाट कहते हैं लिवर को, और आई टी आई एस एक, एक, एक खास किस्म का सफेक्ट है जो किसी भी वर्ड के एंड में आए तो उसका मतलब होता है कि इन्फ्लेमेशन यानी इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर इज नॉन एज हेपाटाटिस अच्छा आई मतलब जिस वर्ड के भी आखिर में आ जाए फॉर एग्जाम्पल आर्थराइटिस यानी आपके जॉइंट्स का इन्फेक्शन या फिर इन्फ्लेमेशन असल में जो इन्फ्लेमेशन है बिकॉज आई टी आई एस मींस इफ्लेशन आपको पता है कि वेन अगर आपकी बॉडी में इन्फेक्शन होता है तो इफेक्शन के नतीजे में आपकी बॉडी का वो पार्ट सूझ जाता है या इन्फ्लेमेट कर जाता है ताकि वो आपको जो लिफेटिक सिस्टम के अंदर जो आपके इम्यून सेल्स हैं वो आपके उस टिशू में इन्वेट कर सके ना इस इन्फेक्शन की या फिर इस इन्फ्लेमेशन की खास तौर पर यानी इस की इन्फ्लेमेशन की बहुत सारे रीजन हो सकते हैं मतलब कि हेपाटाइटिस इज़ अ मल्टी क्टोरियल डिजीज अच्छा वो कौन कौन से रीजन है जिसकी वजह से आपका लिवर इन्फ्लेमेट कर जाता है फर्स्ट ऑफ ऑल एंड द मोस्ट इमोटेंट थिंग इज वायरल इन्फेक्शन यानी वायरल इन्फेक्शन की वजह से जिसको आप लोग वायरल हेपेटाइटिस भी कहते हैं ठीक है यानी वायरस yani की वजह से कॉज होने वाली इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट कॉमन रीजन ऑल अक्रॉस द ग्लोब जिसकी वजह से आपको हेपेटाइटिस होता है इसके अलावा जो रीजन वो है वह अल्कोहलिक बेवरेज को यूज़ करना यानी फॉर एग्जाम्पल अगर आप ड्रिंक करते हैं मतलब अगर आप यू नो एल्कोहल यूज़ करते हैं इन शॉर्ट शराब पीते हैं तो उसके बिहाफ के ऊपर भी आपका लिवर इफ्फ्लेमेट कर सकता है इसके अलावा आपको ऑटो इम्यून सिंड्रोम्स की वजह से भी आपका हेपेटाइटिस हो सकता है ठीक है मतलब आपका अपना इम्यून सिस्टम आपके बॉडी के अपने ऑर्गन को किल करना स्टार्ट करते हैं दिस नॉन एज ऑटो इम्यून अगर ये ऑटो इम्यून आपके हेपेटाइटिस में हो तो इसको आप लोग कहेंगे हेपेटाइटिस कोज बाय ऑटो इम्यून इसके अलावा डिफरेंट किस्म के मेडिकेशन की वजह से भी हो सकता है और भी बहुत सारी कॉम्प्लेक्स रीजन हैं जिसकी वजह से आपको हेपेटाइटिस हो सकता है लेकिन वो बहुत ज्यादा रेयर है मतलब मतलब इतने नहीं पाए जाते लेकिन जो हमारा मेन टॉपिक है वो है वायरल हेपेटाइटिस बिकॉज एज वी नो कि हम लोग इस वीडियो में डिस्कस ही वायरल हेपेटाइटिस को कर रहे हैं कि हाउ डस वायरस इंफेक्शन यानी वायरस किस तरह से हमें हेपेटाइटिस कोस करवा रहा है सो आइए बात करते हैं वायरल हेपेटाइटिस के बारे में सो वायरल हेपेटाइटिस मीस हेपेटाइटिस और इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर कॉज्ड बाय वायरल इन्फेक्शन यानी एक वायरस जो कि एक पैथोजिन है ठीक है एज वी नो के हमारे पास दो किस्म की चीजें होती है लिविंग सिस्टम के अंदर एक होते लिविंग और एक होते नॉन लिविंग जो वायरसेस हैं ये इन बिटवी दैम सम्स इस तरह के करैक्टर्स परफॉर्म करते हैं इस तरह के करेक्टर्स शो करते हैं कि कोई इनको कह सकता है कि ये लिविंग भी है और ये नॉन लिविंग की तरह भी अपने आप को करैक्टराइज करवा रहे होते हैं तो मतलब ये इन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग है तो इस तरह की स्पीशीज होती हैं जो कि अगर मैं उनकी स्ट्रक्चर डेफिनेशन पर बात करूँ तो इनके

एस एच ई वी इसके अलावा एच जी भी है लेकिन वो बहुत ही रेयर है और अभी वो डेवलपिंग स्टेज में है मतलब उसको सही तरह से स्टडी नहीं किया गया तो उसको हम लोग यहां पर डिस्कस नहीं करें। हम लोग सिर्फ और सिर्फ पांच वायरसेस को मोस्टली हम लोग यहां पर देखेंगे इनकी लाइफ को लेकिन इसके अलावा भी कुछ वायरसेस हैं एक्चुअली कॉज हेपेटाइटिस फॉर हरपि सिम्प्लेक्स जो कि मोस्टली आपकी सेक्सुअल डिजीज कॉज करता है इट कैन ऑल्सो कॉज हेपेटाइटिस इसके अलावा एक और वायरस है जिसको आप लोग कहते हैं हेपेटोमेगाली वायरस इट इज ऑल्सो वायरस uh, जो कि भी आपको हेपेटाइटिस uh, कॉज कर सकता है लेकिन हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो रहेगा उन पांच वायरस के ऊपर एच बीवी, बी वी सीवी एंड डीवी और ईवी अच्छा ये एच बीवी एवी इसका क्या मतलब एच एवी मीन्स हेपेटाइटिस ए वायरस एच बी वी मीन्स हेपेटाटिस बी वायरस एंड इस तरह से सोन एच ई वी मीन्स हेपेटाइटिस ई वायरस अच्छा सो हम लोग इस वीडियो के अंदर जो हमारा फॉर्मेट uh, रहेगा वो कुछ इस तरह से रहेगा कि एट फर्स्ट हम लोग इन तमाम के तमाम वायरस के जितने भी करेक्टरिस्टिक्स हैं कि इनका स्ट्रक्चर कैसा है इनका जिनोम कौन सा है उनके क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं तो हम लोग स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे ठीक है एंड देन फिर हम लोग जब स्ट्रक्चर को स्टडी कर लेंगे फिर हम लोग इनकी लाइफ साइकिल्स के ऊपर आएंगे कि हाउ डज दिस वायरस एक्चुअल गो इन साइड अ सेल और वो अपने आप को किस तरह से प्रोलीफ्रेट करवाते हैं इनसाइड द सेल अच्छा एक बात याद रखें कि जो वायरसेज हैं उनका रूल ऑफ थम ये है मतलब वो क्या करेंगे वो ये करेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल दे विल इन्वेड अ सेल जिसको आप लोग अच्छा जिस सेल में ये इन्वेट करेंगे उसको होस्ट कहेंगे ठीक है दे विल इन्वेट द होस्ट विच इज नॉर्मली अ सेल ठीक है अच्छा होस्ट यहां पर एज अ ह्यूमन भी आप लोग कंसिडर कर सकते हैं लेकिन माइक्रो लेवल पर यानी जहां पर एक्चुअल में वायरस प्रोलीफ्रेट करता है या अपने आप को ग्रो करवाता है वो होता है इंट्रा सेलुलर या इनसाइड द सेल यानी एक वायरस का होस्ट होता है सिर्फ और सिर्फ एक सेल यूनिसेल सेल ठीक है अच्छा तो वायरस क्या करते हैं वायरस आपके सेल्स में जाते हैं ठीक है उनके पास एक जीनोम होता है वो अपनी जीनोम को ट्रांसक्रिप्ट ट्रांसलेट जो भी है वो करवाते हैं और वहाँ से वो अपने प्रोटीन्स बनवाते हैं और अपने जो जिनोम की कॉपीज हैं वो करते हैं अपनी जिनोम की कॉपीज़ को प्रोटीन्स के अंदर फिट करते हैं जिसको आप लोग न्यूक्लियो कैप्सिड या फिर कैप्सिड इनकोडेड जिनोम कहते हैं और फिर वो आपके वायरस आपके जो हो मतलब जो सेल है जो होस्ट है उसे बाहर निकलते हैं और नए होस्ट के अंदर इन्वेट करते हैं और सेम प्रोसेस चालू करते हैं तो, तो दिस इज द बेसिक रूल ऑफ थम ऑफ वायरस कि वो किस तरह से एक होस्ट के अंदर सर्वाइव करते हैं दे गो इनसाइड द सेल अपने आप को मतलब अपने जैसे और वायरस बनाएंगे और सेल से बाहर निकल जाएंगे सो रूल ऑफ दम ठीक है ये बात याद रखिएगा। सो so, अब ये बात करते हैं कि डिफरेंटली एच ए वी बी वी सी डी वी और e इनके क्या क्या हैं? And then, फिर हम लोग इन तमाम लाइफ साइकिल को डिस्कस करेंगे आइए बात करते हैं सो लेट अस डिस्कस द वायरोलॉजी या फिर वायरस uh, की स्टडी ऑफ ऑल ऑफ वायरसेस जो कि मोस्टली अच्छा अगर इसकी टेक्जोनोमी बात करें सो एच ए वी बिलोंग्स फ्रॉम अ वायरल फैमिली नॉन एज पिकोना वेराइटी ठीक है या फिर पिकोना वायरस भी कह सकते हैं इसको यानी इस फैमिली को ठीक है और इसकी जो जीनस है वो हैपेटो वायरस और ये जो एच ए वी है यानी हेपेटाइटिस ए वायरस इज द नेम ऑफ स्पीशी यानी ये वो स्पीशी है यानी इस यानी इस स्पीशी के जो मेम्बर हैं वो एक्चुअल में आपको हेपेटाइटिस ए वी के थ्रू एच ए वी यानी हेपेटाइटिस कॉज करते हैं ठीक है अगर इसके करेक्टरिस्टिक को बात करें कि हाउ डज दिस वायरस लुक्स लाइक सो बेसिकली दिस वायरस इज एक्चुअल में इसका जो कैप्सिड होता है मतलब इट जो कैप्सिड तो है उसका जो शेप है वो होता है आइकोस हाइड्रन या फिर आइकोसा हाइड्रन ठीक है आइकोसा मीन ट्वेंटी एंड हाइड्रन मीन साइड एक इस तरह का शेप एक इस तरह का स्ट्रक्चर जिसकी बीस साइड्स है सो एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन या आपकी स्क्रीन के ऊपर जो आपकी डायग्राम है इट इज़ द शेप एक्चुअल ऑफ दैट पर्टिकुलर हेपेटाइटिस ए वायरस की कैप्सिड की यानी उसको जो कैप्सिड है उसकी शेप कुछ इस तरह से हो रही है अगर आप इसके अंदर जितने भी बॉक्सेस हैं या फिर जो सेक्शन uh, हुए हैं बिकॉज ऑफ द लाइनिंग अगर आप उसको काउंट करें तो ये ओवरऑल टेन होंगे मतलब वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन यानी आपको इस वक्त दस साइड्स नजर आ रही है सो so, दस साइड्स आपकी तरफ हैं और दस साइड्स आपकी स्क्रीन के पीछे हैं मतलब अगर आप इस पूरे स्ट्रक्चर uh, को थ्री में ऑब्जर्व करें सो so, दस और दस बीस सो एक्चुअल में ये जो वायरस है इसका जो कैप्सिड है उसकी हाइड्रन शेप का होता है बात करेंट so, है इट इज मेड अप ऑफ कैप्सोमर्ज ठीक है जो कैप्सोमर्ज है वो दे आर फर्दर यानी जो एक कैप्सोमर है, है वो बहुत सारे कैप्सोमर्स से मिलकर बना होता है जो तो, एक कैप्सोमर है वो एटलीस्ट फाइव प्रोटोमर्स से मिलकर बना होता है ठीक है और जो एक प्रोटोमर है वो थ्री डिफरेंट काइंड ऑफ वायरस प्रोटीन से मिलकर बना होता है सो ये कुछ कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्सी क्लासिफिकेशन आई होप सो कि आपको समझ आएंगे जिनोम की की जो नेचर है वो है फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज एन आन ए वायरस मतलब इसका जो जिनोम है इट इज राइबो न्यूक्लिक एसिड ठीक है देन इट इज सिंगल स्टैंडर्ड और प्लस ये पॉजिटिव सेंस स्टैंड है नाउ वट डू मीन पॉजिटिव सेंस या फिर नेगेटिव सेंस असल में पॉजिटिव सेंस का मतलब होता है कि एक इस तरह का न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस जो कि एक खास किस्म के लिविंग ऑर्गेनिज्म में रीडेबल होता है यानी उस होस्ट के या फिर उस लिविंग ऑर्गेनिज्म के या उस सेल के अंदर जो आपका जो जिनोम कैप्चरिंग या फिर जिनोम कोडिंग या ट्रांसलेटिंग मशीनरी होती है अगर वो एक खास सीक्वेंस को रीड कर सके और उसको रीड करके प्रोटीन जनरेट कर सके तो उस सीक्वेंस को आप लोग कहते हैं पॉजिटिव और अगर ना रीड कर सके तो उसको नेगेटिव असल में इसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन में इस बायोलॉजी के बिल्कुल एंड में देने वाला हूँ कि बेसिकली ये जो पॉजिटिव नेगेटिव है इसका क्या मतलब है सो so, अगर आपको अभी भी ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ आई होप सो कि नहीं हुआ होगा बिकॉज मैंने इतना एक्सप्लेन नहीं किया एट द एंड आई विल एक्सप्लेन विद द क्लियर कॉन्सेप्ट और मैं इसको डिटेल में एक्साम्पल के तो समझाऊंगा कि वट डू मीन माई पॉजिटिव और नेगेटिव स्टैंड ठीक है सो दिस वॉज द होल स्ट्रक्चर ऑफ वायरस यानी ये जो एच ए वी है या वो ऐसा ही होता है कि एक बाहर एक कैप्सिड है विच इज ऑफ एक्कोसाइड्रन शेप ठीक है और उसके अंदर इसका पॉजिटिव सेंस सिंगल स्टैंडर्ड आर एन है ठीक है अच्छा सो तो अगर बात करें कि इसको जो जीनोम है वो किस किस चीज़ के लिए इनकोड करता है बिकॉज इज अगर आर एन ए है ठीक है सो ये ट्रांसलेशन होगी बिकॉज एज वी नो को नॉर्मली क्या होता है कि आपका जिनोम होता है डी एन ए है ना डी एन ए उसे बनता है मैसेंजर आर एन ए बाय प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन और फिर उस मैसेंजर आर एन ए को ट्रांसलेट करते हुए आप प्रोटीन जनरेट करते हैं सो यहाँ पर ऑलरेडी आर एन ए प्रेजेंट है ठीक है होगा ये कि इस आर एन ए की ट्रांसलेशन होगी और फर्दर जो प्रोटीन बनेंगे यानी इस आर एन ए से जो प्रोटीन्स बनते हैं उसमें से होते हैं मोस्टली वायरल प्रोटीन्स एनजाइम्स यानी वायरल एनजाइम्स जो कि असल में बाद में जाके इस पॉजिटिव सेंस सिंगल स्टैंडर्ड आर की फर्दर कॉपीज बनाएंगे ताकि वो जो कॉपीज़ हैं वो डिफरेंट किस्म के जो न्यू वायरस बनेंगे उसके अंदर जा सकें देन इट कंटेन सम अदर प्रोटीन्स विच एक्चुअली रेगुलेट्स द रिप्लीकेशन ऑफ दिस वायरल जीनोम यानी ओवरऑल ये जो जीनोम है ये उस वायरस को जितने भी प्रोटीन्स नीड हैं चाहे वो एंजाम की सूरत में हो चाहे वो रेगुलेटरी प्रोटीन की शुरूत में हो तो ये जो इसका जिनोम है ये उस एक्चुअल uh, में उस तमाम प्रोटीन्स को कोट करता है अगर इसकी जिनोम लेंथ के ऊपर बात करें तो इसकी जो जिनोम लेंथ होती है वो होती है सेवन टू एट के यानी सेवन के का मतलब होता है कि सात हज़ार पाँच सौ से लेकर आठ हज़ार बेस पेयर्स तक का जिनोम अच्छा बेस पेयर क्या होता है इस के जो जीनोम होता है वो यू नो बेसिस से मिलकर बना होता है न्यूक्लियोटाइड यानी बेसिस यानी एडिनिन साइटोसिन गुआनिन थायमिन तो इसका जो जीनोम है ये इस तरह से सात से लेकर आठ तक लंबी बेस पेयर तक का बना होता है सो बेसिकली दिस नंबर इज द साइज ऑफ द जीनोम कंटेन इन साइड था एच एवी का स्ट्रक्चर और उसकी कुछ क्लासिफिकेशन कुछ नाउ लेट इस टॉक अबाउट द एच बीवी वायरस के उसका क्या कैरेक्टरिस्टिक्स उसके क्या टॉक्स हैं सो so, अगर बात करें एच बी वी वायरस के ऊपर सो एच बी वी मीन्स हेपेटाइटिस बी वायरस ठीक है सो जो एच बी वी है इसकी जो फैमिली है वो है हिपेडना वायरस ठीक है और इसकी जो जीनस है वो है ऑर्थोहिपेडना वायरस मतलब एच बी फैमिली इज हिपेडना वायरस और इसकी जीनस इज औरपेडना वायरस और इसकी जो स्पेशियर्स एच बी वी यानी एपेडाइटिस बी वायरस मतलब ये स्पीशी का नाम है ठीक है अगर बात करें इसके डिफरेंट कैरेक्टरस के ऊपर तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जो कैप्सिड है इट इज़ आल्सो आई कोसा इन शेप वट इज़ आई कोसा हैड्रल आई हैव डिस्कस्ड अबव ठीक है ठीक है एंड देन अगर बात करें इसकी uh, जीनोम के ऊपर लेकिन जीनोम से पहले एक और चीज़ डिस्कस कर देते हैं वो ये है कि दिस वायरस इज एन एनवेलप्ड वायरस अच्छा वन थिंग शुड बी रेमेंबर जो आपका एच ए वी था इट वॉज अन एनविलप वायरस मतलब उसके इट गिट एनवेलप नहीं था ठीक है लेकिन एच बी वी है इट इज़ एन एनवेलप्ड वायरस ठीक है नो वट एनवेलप इज इसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं बहुत ही मजे का डिस्कशन है सो so, देखें एज वी ऑल नो कि हमारे सेल्स के अंदर यानी लिविंग सेल के अंदर खास तौर पर ऐसे सेल्स के अंदर जिनके अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स हैं उनके अंदर डिफरेंट किस्म के मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं फॉर एग्जांपल फॉर एग्जांपल न्यूक्लियस फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया फॉर एग्जाम्पल एंडोप्लाजमिक रेटिकुलम एंड एज वी ऑल नो देर इज वन अनदर ऑर्गेनल इज नोन एज गोल जाए एज वी नो के जब कभी भी वायरस एक सेल में एंटर होता है तो जो उसके प्रोटीन्स यानी जो नए वायरस की फॉर्मेशन होती है वो होती है गोल्जी अपरेटस के अंदर है ना तो जब गोल्जी अपरेटस के अंदर नए वायरस की फॉर्मेशन होती है सो एज वी ऑल नो कि जब भी गोल्जी अपरेटस के अंदर कोई चीज़ बनने के लिए जाती है तो वो इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल होती है ठीक है यानी एक लिपिड बाइलेयर होगी ठीक है और वो उन तमाम चीज़ों को अपने अंदर रखेगी जिससे वो नई चीज़ या जो प्रोडक्ट बनना है वो बन पाएगा और इसी तरह से जब उस गोलजाई अपराटस से चीज़ बनकर निकलती है तब भी वो इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल होती है यानी इन द फॉर्म ऑफ लिपिड बायलेयर की फॉर्म यानी एक लिपिड बायलेयर की थैली होती है एक शॉपर होता है ठीक है जिसके अंदर वो बनी हुई चीज प्रेजेंट होती है ठीक है कभी कभी ये होता है कि कुछ चीजें उस लिपिड बायलेयर को अपने साथ रिटेन रखती हैं यानी उसको छोड़ती नहीं है वैसे होता यह है कि जब वो प्रोडक्ट बनता है और वो सेल के बाहर निकलता है तो वो जो आपकी लिपिड बाय है यानी जो वेसिकल है वो ऊपर से रिमूव हो जाता है लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं खासतौर तो पर वायरसेस जैसे होते हैं उनके पास कुछ इस तरह के प्रोटीन्स होते हैं आ, उनके उनके कैप्सिट के ऊपर जो कि उस एनवलप को या उस लिपिड बाय को अपने साथ कैच रखते हैं सो तो जब इस तरह के वो वे, जो वेसिकल है जो कि गोलजा ऑपरेटिस से निकला था कंटेनिंग दैट पर्टिकुलर वायरस इनसाइड जब वो उस सेल के बाहर निकलता है सो वो जो वायरस है वो उस वेसिकल को अपने साथ रिटेन रखता है अपने साथ लेके चलता है और उस वेसिकल को आप लोग बाद में एनविलअप कहते हैं सो वट वट एनविलप इज एनविलप इज नथिंग बट अ लिपिड बाय लेयर विच कंटेंट्स डिफरेंट काइंड ऑफ एंटीजन प्रोटीन्स और सरफेस एंटीजन ऑफ दैट पर्टिकुलर वायरस ठीक है सो ये था आपका एनविलप मतलब दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ एनविलप के एनविलप होता है कि एनविलप क्या होता है एनविलप इज़ नथिंग बट अ लिपिड बाय लेयर अ वेसिकल मतलब एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर जो किसका बना हुआ उसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा अगर वो वायरस के ऊपर है तो ऑफ कोर्स वायरस प्रेजेंट होगा मतलब होगा. So, की थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन एच बी वी इज एन एनविलप वायरस ठीक है अगर इस वायरस की एच बी वी की हम लोग जीनोम के ऊपर बात करें कि उसका यानी उसके कैप्सिड के अंदर जो मटेरियल है वो क्या है सो बेसिकली एच बी वी इज अ डी एन ए वायरस है लेकिन ये जो डीएनए है ये पार्शली डबल स्टैंडर्ड डीएनए, बिकॉज एज वी नो के जो की नेचुरल एग्जिस्टेंस है वो है डबल स्टैंडर्ड की फॉर्म में मतलब के जो ए है एज वी नो के जो डीएनए uh, है मतलब डी ऑक्जाइर है न्यूक्लिक एसिड तो जो न्यूक्लिक एसिड्स हैं ठीक है यानी जो एडिनिन, गुआनिन, साइडोसिन वो वो एक दूसरे से लिंक होती है फॉर एग्जाम्पल ए विद टी जी विद सी है ना लेकिन uh, जो वायरस है ये वायरस है एच बी वी उसमें ये जो आपका डी है जो इस वायरस का डी है वो आधा तो लिंक्ड uh, है मतलब आधा तो वो बेस के साथ लगा हुआ है लेकिन आधा वो नेकेड है यानी आधा वो सिंगल स्टैंडर्ड है आधा वो डबल स्टैंडर्ड है ठीक है वो क्यों है उसको भी आगे जाकर डिस्कस करेंगे ठीक है सो ये इसका जीनोम था यानी पार्सली डबल स्टैंडर्ड अगर इसके जीनोम की जीनोम साइज के ऊपर बात करें तो जो उसका सिंगल स्टैंडर्ड पोर्शन है इसके जीनोम का इट इज ऑफ थ्री टू थ्री पॉइंट थ्री किलो बेस पेनि तीन हजार से लेकर तैंतीस सौ किलो बेस पे तक लंबा है उसका सिंगल स्टैंडर्ड एंड ठीक है और जो इसका डबल स्टैंडर्ड एंड है उसकी जो लेंथ है वो है वन पॉइंट सेवन से टू के बी पी यानी कि सतरह सौ से लेकर दो हज़ार किलो बेस पेयर्स यानी ओवरऑल इसकी जो चेन लेंथ है मतलब इसकी जो ओवरऑल जिनोम लेंथ है अगर उसके जो हाफ उसकी जो सिंगल स्टैंडर्ड डी है अगर आप उसको कंप्लीट कर दें जो कि आगे जाके होता है इन साइड द लाइफ साइकिल तो उसकी जो ओवरऑल जिनोम लेंथ बनती है वो होती है कुछ फोर पॉइंट फाइव से फाइव के बी यानी पैंतालीस सौ से पाँच हज़ार किलो बेस पेयर्स तक लंबा इस एच बी वी का जिनोम होता है एंड वन थिंग मोर इस वायरस के जीनोम के अंदर इसके सिंगल स्टैंडर्ड एंड के ऊपर एक डीएनए पॉलीमरेज एक वायरल डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम्स लगा होता है जो कि फर्दर जाके इसकी जो लाइफ साइकिल है उसके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो जो वायरल पॉलीमरेज है उसकी बहुत खास किस्म की करेक्टरिस्टिक्स हैं उसकी तीन इंपॉर्टेंट करैक्टरिस्टिक्स हैं वो ये हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल इट कैन पोलीमराइज़ डी फ्रॉम ए आर मतलब आर को देख ये डी बना सकता है यानी इन शॉर्ट ये ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज वाली एक्टिविटी परफॉर्म कर सकता है बिकॉज आपको पता है कि ट्रांसक्रिप्शन में होता यह कि डी से आप आर बनाते हैं लेकिन इट कैन आल्सो डू वट इट कैन डू रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन मतलब ये एम को देखकर डीएनए बना सकता है प्लस ये डीएनए को देखकर आरएनए एन बना सकता है जो कि एक नॉर्मल अप्रोच होता है कि आप डीएनए से आरएनए बनाते हैं इन द इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन तो ये वो वाली एक्टिविटी भी परफॉर्म कर सकता है तो so जो इसका थर्ड इंपॉर्टेंट करेक्टर है वो, वो ये है कि दिस वायरस एंजाइम दिस वायरल एंजाइम इज सेल्फ प्राइमर यानी इसको प्रोलीफिकेशन करने के लिए अपना एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए किसी भी किस्म के प्राइमर की ज़रूरत नहीं पड़ती बिकॉज एज वी नो के हर आ, जो डीएनए या फिर आरएनए बेस्ड एंजाइम होते हैं उनको काम करने के लिए एक खास किस्म के प्राइमर्स की ज़रूरत पड़ती है लेकिन ये जो एच का जो वायरल इंजाम है इसको अपना काम करने के लिए किसी प्राइमर की जरूरत नहीं है इट कैन डू सेल्फ ये अपने आप से खुद जाकर एक अपनी पर्टिकुलर लोकेशन पर जाकर ऑन दैट स्टैंड अटैच हो सकता है और अपना काम बग़ैर प्राइमर के परफॉर्म कर सकता है तो ये इस वायरल इंजाम के ठीक है एच

होती हैं ठीक है और एज बी नो के जब चार जीन्स होती हैं तो फिर चार डिफरेंट किस्म के प्रोटीन्स जनरेट होते हैं अच्छा जो पहली जीन उसको आप लोग कहते हैं जीन सी असल में जीन सी इस तरह की जीन है जो कि एक ऐसे प्रोटीन्स को इनकोट करती है जो कि बाद में जाके कैप्सिड क्रिएट करती हैं या फिर कोर प्रोटीन क्रिएट करते हैं मतलब जीन सी कोर्स फॉर कैप्सिड प्रोटीन ठीक है उसके बाद है आपके पास जीन पी जीन पी असल में एक इस तरह की जीन है विच एक्चुअली इनको वायरल एज वी नो के जो आपका ये जो एच बी वी है इसके जीनोम के अंदर साथ में एक वायरल पोली जो कि जिसकी बहुत सारी एबिलिटीज़ है एज वी हैव डिस्कस दैट ना बहुत सारे काम कर सकता है वो वाला इंजाम तो वो इंजाम कहाँ से आता है वो इंजाम जीन पी से इनकोड होता है इसके बाद एक और है जीन एस नाउ जीन एस जो एक खास किस्म की जीन है और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जीन है फर्स्ट ऑफ ऑल एक बात याद रखेगा जीन एस इस तरह की जीन होती है जो कि इस वायरस के सरफेस एंटी एंटीजेंस को कोड करती है मतलब कि जीन एस वायरस के डिफरेंट किस्म के सरफेस एंटीजेंस बनते हैं लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात यह है कि इस जीन एस के ऊपर तीन जगहों पर स्टार्ट कोडोन्स हैं मतलब थ्री इन फ्रेम स्टार्ट कोडोन्स हैं मतलब कि ये जीन्स तीन आ, डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर से अपनी इनकोडिंग कर सकती है मतलब ये तीन किस्म के डिफरेंट एम आर जनरेट करती है और जब ये तीन किस्म के डिफरेंट एम आर जनरेट करती है तो एज वी नो के अगर तीन किस्म के डिफरेंट एम आर बन सकते हैं तो हर एम आर से खास किस्म का प्रोटीन बनेगा यानी कि अगर तीन एम आर है तो प्रोटीन भी तीन बनेंगे सो तो इसी इन फ्रेम स्टार्ट कोडोन्स के ऊपर ही आपके लेट्रॉन जाके वो जो एंटीजन के जो क्लासिफिकेशन में एज वी नो के आपका जो एच बी भी जिन्हें आगे जाके हम लोग डिस्कस करेंगे जो उसके सर्वेस एंटीजन होते हैं वो तीन किस्म के होते हैं एक होता है लार्ज एक होता है स्मॉल और एक होता है मिड तो उनकी जो लेंथ के ऊपर डिफरेंस आता है उसका मेन रीजन ये होता है कि वो जिस जीन से कोड करते हैं वो उस जीन के अंदर तीन डिफरेंट स्टार्ट कोडोन्स हैं ठीक है यानी वो तीन डिफरेंट रीजन से अपनी जो ट्रांसक्रिप्शन है वो स्टार्ट कर सकता है अगर तीन डिफरेंट रीजन के ऊपर से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगी तो एज वी नो के तीन डिफरेंट जीन्स क्रिएट होंगे और तीन डिफरेंट जीन्स मतलब तीन डिफरेंट प्रोटीन्स और वो जो तीन डिफरेंट प्रोटीन्स हैं वो रिजल्ट करेंगे इन द डिफरेंस ऑफ एंटीजन साइड्स ऑन द सरफेस ऑफ दैट पर्टिकुलर एच बी वी वायरस एक और जो जीन है विच इज़ जीन एक्स ठीक है जीन एक्स उसको अका गया असल में जीन एक्स एक खास किस्म का प्रोटीन इनकोड करता है जिसका फंक्शन हंड्रेड अंडरस्टैंड uh, नहीं हुआ भी था। लेकिन वो जिस प्रोटीन प्रोटीन को कोड करता है 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 आप लोग कहते हैं एक्स ठीक ठीक यानी हेपेटाइटिस बी अच्छा जो प्रोटीन है इसका रोल मिला है हमें इस वायरस की रेप्लीकेशन में यानी जब इसका जीनोम बन रहा होता है तो उसमें इस जो जीन है, उसका जो प्रोटीन है एच बी एक्स उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है मतलब ट्रांस एक्टिवेटर यानी कि ये ट्रांसक्रिप्शन में थोड़ा सा अपना रोल परफॉर्म करता है और भी इस, इसके बहुत सारे फंक्शन हैं लेकिन अभी वो कंप्लीटली अंडरस्टैंड नहीं हुए हुए ठीक है अच्छा एक और बात आ, दिस डी एन ए वायरस एज वी नो के एच बी अ डी एन ए वायरस सो इसके जो जीनोम है उसके ऊपर डिफरेंट किस्म के नॉन कोडिंग रीजनस भी पाए गए हैं बिकॉज एज वी नो के जो आ, इस वायरस का ओवरऑल जीनोम साइज है वो कितना है वो फोर पॉइंट फाइव से थ्री पॉइंट फाइव किलो बेस पेयर लेकिन जो इसका एम आर एन ए इसके क्रिएट होते हैं मतलब जब डी एन ए से एम आए ए बनेगा तो उसकी जो साइज हमें मिली है वो है थ्री पॉइंट नाइन लो बेस पे तो आपको पता है कि अगर हजार अगर फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि इसका जो जीनोम साइज है वो एक्चुअल में फॉर एग्जांपल 4.5 के बी है यानी 4500 किलो बेस पेयर तो अगर उससे uh, 3.9 किलो बेस पेयर्स के एमआरएनए बनते हैं तो वो जो 600 का फर्क आ रहा है यू नो 600 किलो uh, बेस पेयर तो वो एक्चुअल में आपके कंस्टिट्यूट कर रहे हैं डिफरेंट uh, किस्म के नॉन कोडिंग रीजनस को जिसको आप लोग जंक डीएनए भी कह सकते हैं सो so, अगर एंटीजन के ऊपर बात करें कि हाउ मच हाउ डिफरेंट काइंड्स ऑफ एंटीजन वी हैव ऑन एचबीबी सो हमारे पास तीन किस्म के एंटीजेन्स हैं एचबीएस यानी एच बी एस ए जी यानी हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन असल में एनवेलप के ऊपर जो डिफरेंट किस्म के एंटीजन पाए जाते हैं ये उसको रिफेयर कर रहे हैं चाहे इस के जो एच बी एस एंटीजन तीन तीन किस्म के होते हैं बेसिस ऑफ़ साइज़ लार्ज मीडियम एंड स्मॉल इसके अलावा है एच बी सी एंटीजन मतलब हेपेटाइटिस वायरस कोर एंटीजन असल में ये जो एच बी सी एंटीजन है ये प्रेजेंट होते हैं ऑन द कैप्सिड यानी कैप्सिड के ऊपर जो प्रोटीन होते हैं व्हेन दे एक्ट एज एंटीजन तो उस एंटीजन को आप लोग क्या कहेंगे एच बी सी एंटीजन और एक कोर है वो है एच बी ई एंटीजन असल में एच बी ई एंटीजन ई मीन्स एनवेलप ठीक है ये इस तरह के एंटीजन होते हैं जो कि इन बिटवीन कोर एंड इन बिटवीन एनवेलप के दरमियान प्रेजेंट होते हैं ठीक है सो so, uh, ये इस तरह के एंटीजन होते हैं अच्छा वाई वी आर कॉलिंग इट एंटीजन बिकॉज दिस पार्टिकल्स और दिस मॉलिक्यूल्स एक्चुअली कैन कॉज एंटीबॉडी प्रोडक्शन ठीक है तो एंटीबॉडी प्रोडक्शन के ऊपर यानी वायरस में से कौन कौन से मॉलिक्यूल ऐसे जो कि हमारे इम्यून सिस्टम्स के अंदर जाके एंटीबॉडी uh, प्रोडक्शन को अलाउ कर सकते हैं उसको ऑन कर सकते हैं तो ये तीन किस्म के मॉलिक्यूल्स हम लोगों ने डिस्कस कर लिए सो दिस वॉज एच बी वी लेट्स नाउ टॉक अबाउट एच सी वी सोनाओ लेट इस टॉक अबाउट एच सी वी वायरस एच सी वी मीन्स हेपाटाइटिस सी वायरस अगर उसकी टेक्जोनोमी के ऊपर बात करें सो फर्स्ट ऑफ ऑल एच सी वी बिलोंग्स फ्रॉम फैमिली फ्लैवी राइडी फ्लैवी रियाइडी ठीक है अच्छा इसकी जो जीनस है वो है हिपेसी वायरस फैमिली कौन सी है फ्लेवी वरायडी या फिर फ्लेवी वायरस ठीक है और जीनस है इसकी हिपेसी वायरस ठीक है सो so अगर इसकी स्ट्रक्चर के ऊपर बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका भी जो आपका कैप्सिट है ठीक है यानी इस वायरस का जो कैपसिट है इट इज ऑल्सो आइकोसा हेड्रल इन शेप मतलब कि इसके भी जो कैप्सिड है उसके कितने हेड्स uh, हैं या फिर कितनी साइड्स हैं एग्जैक्टली उसके बीस साइड्स हैं ठीक है देन अगर उसके जिनोम की बात करें सो दिस एच सी वी इज एज फार एजोम इज कंसर्न एग्जैक्टली सिमिलर टू एच ए वी मतलब इसका भी जो जिनोम है वो है पॉजिटिव सेंस सिंगल स्टैंड आर एन ए ठीक है अच्छा सो so यानी कि दिस वायरस हैव आईकोसाहाइड्रल अ कैप्सिट इन विच इट हैज़ अ हैजिनोम विच इज पॉजिटिव सेंस सिंगल स्टैंड आर एन ए अगर आपको याद हो तो एच ई वी का भी स्ट्रक्चर कुछ इसी तरह से था लेकिन इसमें यह डिफरेंस है कि इस यानी हेपेटाइटिस वायरस के अंदर एनवेलप प्रेजेंट है मतलब कि दिस वायरस इज अ एनवेलप्ड वायरस और वो एनवेलप क्या होता है कहां से आता है हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया इन एच बी वी केस के अंदर सो so, यानी कि ये ऐसा वायरस है जिसके एट गेट एनवेलप है ठीक है और उस एनवेलप के अंदर इसका एक कैप्सिड है इज़ हैल इन स्ट्रक्चर ठीक है और उस आइकोसाइड कैप्सिड के अंदर इसका जीनोम प्रेजेंट है इज़ पॉजिटिव सेंस सिंगल स्टैंडर्ड अगर इसके जीनोम साइज़ के ऊपर बात करें तो इसका जो जीनोम साइज़ है वो है एक ऑलमोस्ट इक्वल्स टू 9.6 पॉइंट सिक्स के बी पी यानी नौ हज़ार छः सौ किलो बेस पेयर्स तक ऑलमोस्ट अप्रॉक्सीमेटली इतना ही ये इतना लंबा होता है इसका जो जीनोम है मतलब इसका जो आर एन ए का सीक्वेंस है वो इतना लंबा हो सकता है अच्छा वन थिंग शुड भी रिमेंबर ये जो आर एन ए है ठीक है इसकी खास बात यह है कि जो पूरा का पूरा जीनोम है ये सिंगल प्रोटीन कोड करता है यानी कि ये आर एन ए बेस्ड एंजैम है एज वी नो तो जब ये अपने आप को ट्रांसलेट करवाएगा इन द होस्ट तो इस आर एन ए से बजाय के डिफरेंट किस्म के डिफरेंट प्रोटीन्स बने सिर्फ और सिर्फ एक किस्म का प्रोटीन बनेगा और बहुत ही लार्ज होगा वो होगा ऑलमोस्ट थ्री थाउजेंड अमाइनो एसिड्स लार्ज और जब उस प्रोटीन की क्लीवेज करेंगे मतलब जब उसको तोड़ा जाएगा वायरल प्रोटीज इंजाम ठीक है तो वो तीन हज़ार एसिड पर मुश्तम बड़ा प्रोटीन छोटे छोटे प्रोटीन्स में टूट जाएगा ऑलमोस्ट टेन स्मॉल प्रोटीन्स होते हैं जिसके अंदर वायरल इन्जाइम्स होते हैं इसके अलावा कैप्सिड के प्रोटीन्स होते हैं इसके अलावा एंटीजेनिक प्रोटीन्स होते हैं जो कि फर्दर जाके जब नए वायरसेस बनते हैं तो उनको वो फॉर्म करने में वो ये प्रोटीन्स जो कि इस बड़े प्रोटीन की क्लीवेज से बने हैं ये अपना रोल प्ले करते हैं सो so, यहाँ तक तो हम लोगों ने बात की ऑन द बेसिस ऑफ वायरोलॉजी ऑफ दैट पर्टिकुलर एच लेकिन एक खास किस्म का डिफरेंस है या एक खास किस्म का करेक्टर है इस वायरस का कि दिस वायरस एक्चुअली लेक्स यानी ये इस वायरस का जो तो जिनोम है वो लेक करता है इम्पोर्टेंट इंजाम को वो ये बेसिकली दिस वायरस एक्चुअली लेक्स एन प्राइम एग्जो न्यूकलियस इंज़ाम असल में इस भी नाऊँ कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में जिसके अंदर जिनोम होता है तो उसमें जब वो प्रोलीफ्रेट करता है यानी जब वो जिनोम डिवाइड होता है या जब वो जिनोम फंक्शन करता है प्रोटीन फॉर्मेशन में या फिर रिप्लिकेशन में यानी जिनोम डबलिंग में तो उस जिनोम के अंदर जो म्यूटेशन होती हैं उनका चांस ज़्यादा होता है तो उस लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास एक खास किस्म के एग्जो न्यूक्स इंज़ाम होते हैं जो कि ऑल ओवर द जिनोम फैले होते हैं और वो ये करते हैं कि हर जगह पर जहाँ कहीं भी कोई म्यूटेशन हो रही हो यानी जहाँ कहीं पर भी कोई म्यूटेशन हो गई फॉर एग्ज़ाम्पल एक बेस पेयर्स ए लगा हुआ था उसकी जगह जी लग गया तो वो एग्जो न्यूक्लियस इंजाम क्या करेंगे वहाँ से जाकर वो जो ख़राबी थी उसको रिपेयर कर देंगे यानी एक्चुअल में ये जो एक्जो न्यूक्लियस इंजाम्स हैं ये असल में जिनोम का रिपेयरिंग वर्क करते हैं ठीक है लेकिन दिस एच सी वी एक्चुअली लेक्स दिस थ्री प्राइम टू फाइव प्राइम एक्जो न्यूक्लियस एक्टिविटी स्पेशली एट द पॉइंट एट द पॉइंट ऑफ द जिनोम जहाँ पर सरफेस एंटीजन कोड होते हैं यानी कि इन शॉर्ट अगर बात को आसान करें और सिंपल करें तो ये कि इस वायरस के अंदर एंटीजन जो कि सरफेस एंटीजन होगा उसकी वेरिएशन की जो सलाहियत है वो ज़्यादा होगी मतलब यह है कि ऑन एवरी एप्लीकेशन जब जब ये वायरस प्रोलीफ्रेट करेगा यानी एक से बहुत सारों में कन्वर्ट होगा तो चांसेस हैं कि जो उसके सरफेस एंटीजन हैं वो चेंज हो जाएंगे और जब सरफेस एंटीजन चेंज हो जाएंगे वो क्यों होंगे बिकॉज म्यूटेशन का चांस ज्यादा है बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ दिस इंजाइम एग्जोन्यूकलियस और जब एंटीजन चेंज हो गए तो आपको पता है कि अगर एंटीजन चेंज हो रहे हैं तो आपका इम्यून सिस्टम इन जो होस्ट का इम्यून सिस्टम है वो इन वायरस के खिलाफ उतनी करामत काम नहीं कर पाएगा बिकॉज वो जो एंटीबॉडी बनेंगी वो पुराने वाले एंटीजन के कॉम्प्लीमेंट्री uh, होंगी लेकिन जब uh, अब एंटीजन चेंज हो गया तो वो पुरानी वाली एंटीबॉडी इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ पाएंगी यानी इन शॉर्ट ये कि दिस एचसीवी वायरस इज़ अ वेरी 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 मच सीवेयर यानी खतरनाक है और क्रॉनिक यानी लंबा चलने वाला अच्छा क्रॉनिक इस तरह का यानी जो वर्ड क्रॉनिक है वो हम लोग मेडिकल माइक्रो में इस इस रेफरेंस से यूज करते हैं कि एक ऐसी बीमारी जो कि एटलीस्ट छः महीने से ज्यादा की हो यानी मोर देन सिक्स मंथ अगर कोई बीमारी जा रही है तो उसको हम लोग बोलते हैं कि इट इज क्रॉनिक डिजीज़ ठीक है तो दिस एच इज अ क्रॉनिक इन्फेक्शन ऑफ हेपेटाइटिस ठीक है वो क्यों है बिकॉज इस वायरस के अंदर जो म्यूटेशन है उसका रेट ज़्यादा है जिसकी वजह से इसके जो सरफेस एंटीजन है वो अपना शेप चेंज कर देते हैं और आपको पता है कि जब वो शेप चेंज करते हैं तो जो उस होस्ट है उसके अंदर जो इम्यून सिस्टम है उसकी सलाहियत उतनी नहीं रहती ताकि वो उस वायरस के ख़िलाफ़ एंटीबॉडी बना के उसको न्यूट्रलाइज करके आप, आपकी बॉडी से एलिमिनेट कर सके सो दिस वाज एच अब आइए बात करते हैं कि एच का क्या सीन है अच्छा सो so जो एच है मतलब एच डी वी डी मीनस डेल्टा वायरस अच्छा नाउ डेल्टा वायरस आई थिंक आपने कहीं और भी सुना होगा एग्जैक्टली कोविड के केस में भी एक डेल्टा वेरियंट आया था अच्छा वॉट ड्यू मीन बा डेल्टा डेल्टा और एक और वर्ड होता है सेटेलाइट ये दोनों का मतलब एक ही है असल में ये जो एच है या फिर कोई ऐसा वायरस जो कि डेल्टा होता है उसको आप लोग सेटेलाइट वायरस भी कहते हैं असल में जो डेल्टा या फिर सेटेलाइट है इसका एक्चुअल मतलब ये है कि वो जिसको इन्फेक्शन करने के लिए किसी दूसरे वायरस की जरूरत हो मैंने क्या कहा मैंने कहा कि वो वायरस जिसको इन्फेक्शन करने के लिए अपनी तो जरूरत है ही लेकिन अपने साथ साथ किसी दूसरे वायरस की भी जरूरत है तो उस वायरस को आप लोग कहते हैं कि वो वायरस डेल्टा वायरस है या फिर वो वायरस डेल्टा वेरिएंट है ठीक है अच्छा एच को इन्फेक्शन कॉज करने के लिए एच की प्रेजेंस लाजमी चाहिए यानी कि अगर आपकी बॉडी में एच डी वी खाली प्रेजेंट है तो वो कुछ भी नहीं कर सकता आपका लेकिन अगर उसके साथ साथ एच बी वी भी प्रेजेंट है तो वो एक बहुत ही सीवियर इन्फेक्शन कोस कर सकता है मतलब कि दिस डेल्टा मीन्स डैट कि इस वायरस को एच बी वी की प्रेजेंस लाजमी चाहिए ताकि ये अपना इन्फेक्शन कोस कर सके ठीक है सो अगर बात करें इस वायरस की आ, Uh, टेक्सोनोमी के बारे में सो बेसिकली दिस वायरस बिलोंग्स फ्रॉम अ फैमिली वायरस ठीक है और इसकी जीनस एसविनो के डेल्टा वायरस है ठीक है और इस स्पीशी का नाम है एच डी वीन बेटा डेल्टा वायरस ठीक है सो so, अगर इसके स्ट्रक्चर के ऊपर बात करें सो so बेसिकली इसका जो कैप्सिड है वो है रोड लाइक -like. वो किस तरह का है वो है वह रोड लाइक अच्छा वो रोड लाइक -like क्यों है वो रोड लाइक -like इसके जीनोम की वजह से उसको ना उसका क्या सीन है असल में अगर इस एच डी वी के जीनोम के ऊपर बात करें सो बेसिकली दिस एच डी वी इज अ नेगेटिव सेंस सिंगल स्टैंडर्ड आर एन ए मैंने क्या कहा मैंने कहा कि दिस वायरस यानी जिस एच डी वी इज अगेटिव सेंस सिंगल स्टैंडर्ड आर एन एच सी वी और एच ए वी क्या थे पॉजिटिव सेंस थे लेकिन ये नेगेटिव सेंस सिंगल स्टैंडर्ड आर एन ए है एक और बात अगर ये नेगेटिव सेंस सिंगल स्टैंडर्ड है तो ये आपके जिन्हों आपके सेल के अंदर ये कॉर्डेबल नहीं है मतलब आपका सेल आपकी सेलूलर मशीनरी इसको रीड नहीं कर सकती नाउ शुड बी रिमेंबर ये जो नेगेटिव सेंस सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है जिसका जीनोम साइज ऑलमोस्ट 1.7 किलो बेस पर यानी 1700 बेस पर लंबा ये जो नेगेटिव सेंस सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है ये अपने आप को कुछ इस तरह से अरेंज करता है कि जो ये जब आपके सेल में जाता है जब होस्ट में जाता है तो ये बिल्कुल एज अ डी एन के फॉर्म में यानी डी के पेरेंट्स शो करता है असल में इस नेगेटिव सिंगल स्टैंडर्ड आर की जो बेसिस हैं वो एक तरह से सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री हैं यानी वो अपनी कॉम्प्लीमेंटेशन खुद कर सकती हैं मतलब कि ये जो एज वी नो कि जो एम आर एन ए है जो ये जो आर एन ए है वो मोस्टली सिंगल स्टैंडर्ड होता है लेकिन चूंकि ये सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री है सो so इसकी जो स्टैंड है न्यूक्लियर की वापस में खुद ही इस तरह से अरेंज होती है किस तरह से लगता है कि ये आर एन ए नहीं बल्कि डी एन ए है मतलब कि ये डबल स्टैंडर्ड हो जाता है ठीक है और ये जब डबल स्टैंडर्ड हो जाता है सो so, uh, इसकी जो अपेयरेंस है वो रोड लाइक -like होती है और इसी डबल स्टैंडर्ड होने की वजह से जो इसके ऊपर कैप्सिड है वो इसके ऊपर रोड शेप का हो जाता है बिकॉज एज वी नो कि जो आपकी डीएनए की स्टैंड होती है वो लंबी लंबी सी होती है ना रोड लाइक सो उसी जीनोम को इन्क्लोज करने के लिए जो इसका कैप्सिड है वो रोड शेप का हो जाता है वन थिंग शुड बी रिमेंबर दिस नेगेटिव सेंस सिंगल स्टैंड आर एन ए विल बी रीड एज आर डी एन ए इन साइड होस्ट मतलब कि जब ये डबल स्टैंडर्ड हो जाता है बिकॉज ऑफ सेल्फ कॉम्प्लीमेंटेशन मतलब कि इसकी जो बेस पेयरिंग होती है मतलब कि इसकी जो बेसिस होती हैं ये कुछ इस तरह से लगी होती हैं कि वो आपस में खुद ही अटैच कर सकती हैं ठीक है जब वो अटैच करती हैं तो एस वीन ओके वो डबल स्टैंडर्ड हो जाता है जब वो डबल स्टैंडर्ड हो जाता है तो एसवीन हो के डबल स्टैंडर्ड कौन सा वाला होता है आ रहे एन ए तो डी होता है ना तो ये सिंगल स्टैंडर्ड जो है मतलब ये जो एक्चुअल में सिंगल स्टैंडर्ड है जब ये डबल हो जाता है तो आपका जो सेल है मतलब जो होस्ट का सेल है वो समझता है कि ये एक्चुअल में डी एन तो उसको एज ए डी समझ के कोट करता है मतलब इस नेगेटिव सेंस सिंगल स्टैंडर्ड आर से वो पॉजिटिव एम बनाता है जो भी एक डी के बाद का जो नॉर्मल प्रोसेस होता है कि पहले एम बनता है फिर उसकी ट्रांसलेशन होती है फिर उससे प्रोटीन बनता है ठीक है सो बेसिकली दिस मीन्स दैट कि ये नेगेटिव सेंस सिंगल स्टैंडर्ड आर है और इसका एक कैप्सिटे विच इज ऑफ रोड शेप ठीक है देन इट कॉन्टेंस एनविलप शुड बी रिमेंबर दिस डेल्टा वेरियंट आल्सो कॉन्टेंस एनवेलप एग्जैक्टली ठीक है सो so, जब ये एनवेलप कंटेन करता है एक बात याद रखिएगा कि एच की प्रेजेंस इसको क्यों चाहिए इसको इसलिए चाहिए क्योंकि एच के सरफेस के ऊपर जो एंटीजेंस हैं वो ये ले, ले लेता है मतलब कि दिस एच वायरस एक्चुअल में एच बी वी के सरफेस एंटीजन ले लेता है और जब वो ले लेता है तो वो सरफेस एंटीजन इस वायरस को आपके होस्ट सेल के ऊपर अटैच होने में और उसके अंदर जाने में काफ़ी हेल्प आउट करते हैं ठीक है सो so, उसके एनवेलप के ऊपर यानी कि एच डी वी के एनवेलप के ऊपर किसके एंटीजन प्रेजेंट होंगे एग्जैक्टली सिमिलर टू जस्ट लाइक एच बी वी ठीक है बिकॉज एज आईव डिस्कस दैट के इस वायरस को इन्फेक्शन कॉज करने के लिए एच बी वी की प्रेजेंस होना लाजमी है ठीक है एक बात याद रखिएगा कि एच डी वी दो किस्म के इन्फेक्शन कॉज करता है एक को आप लोग कहते हैं को इन्फेक्शन एक इस तरह का इन्फेक्शन जिसमें आपको एच और एच एट अ टाइम इंफेक्ट करते हैं और एक होता है सुपर इन्फेक्शन जिसमें एच ने ऑलरेडी इन्फेक्ट किया होता है और एच आके बी री करके आपको सुपर इन्फेक्शन कॉज करता है आई रिपीट मैं रिपीट कर रहा हूं मैं ये कहना चाह रहा था कि जो आपका एच है वो दो किस्म के इन्फेक्शन कॉज करता है मतलब कि जो जो इन्फेक्शन है एज वी नो पैथोजन एंड इट कैन कॉज इन्फेक्शन राइट सो इसको जो इन्फेक्शन है वो दो किस्म के होते हैं वो दो कैटेगरीज के, के होते हैं दो टाइप्स के होते हैं एक को आप लोग कहते हैं को इन्फेक्शन एक को आप लोग कहते हैं सुपर इन्फेक्शन को इन्फेक्शन वो होते हैं जिसमें एज वी नो एज वी ऑल्सो नो कि इस एच डी वी को इन्फेक्शन कॉज करने के लिए एच बी वी की प्रेजेंस चाहिए ना तो किस तरह से चाहिए सो so, दो केसेज हैं एक केस में एच बी वी और एच डी वी दोनों एक साथ मिलकर एक होस्ट को या एक सेल को इन्फेक्ट करें उसके अंदर जाए दूसरा केस ये है कि एच बी वी ने ऑलरेडी उसको इन्फेक्ट किया हो और एच डी वी आके उसके बाद इफेक्ट करें सो वो केस जिसमें दोनों एक साथ करेंगे उसको आप लोग कहेंगे को इन्फेक्शन और वो केस जिसमें एच ने ऑलरेडी कर रखा होगा और एच डी इन्फेक्ट करेगा उस होस्ट को या उस सेल को उसको आप लोग कहेंगे सुपर इन्फेक्शन सो so, दिस वाज एच आइए बात करते हैं एच ई के बारे में सो एच ई और हेपेटाइटिस ई वायरस अगर उसकी टेक्जोनॉमी की बात करें सो so बेसिकली इसकी जो फैमिली है वो है हैप्पी वेराइटी या फिर हैप्पी वायरस यानी एच ई पी ई और वायरस ठीक है और इसकी जो जीनस है वो है ओर्थो हैप्पी वायरस यानी दिस एच ई वी इज अ फैमिली बेस्ड हैप्पी वायरस ठीक है और इसकी जो जीनस है वो है ऑर्थो हैप्पी वायरस और इसकी जो स्पीशी है वो ऑफ कोर्स वो है एच ई वी यानी हेपेटाइटिस ई वायरस सो अगर इसके कैप्सिड के ऊपर बात करें सो इट इज़ आल्सो आइकोसा हैड्रल इन स्ट्रक्चर ठीक है मतलब दिखने वो कैसा है वो आइकोसा हैड्रल है ठीक है और जिसका जिनोम है वो है पॉजिटिव सेंस सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए विच इज़ ऑलमोस्ट इक्वल्स टू मतलब उसकी जो जीनोम लेंथ है वो है सेवन पॉइंट टू किलो बेसपेयर तक मतलब अप्रोक्सीमेटली ये जो पॉजिटिव सेंस सिंगल स्टैंडर्ड आर एन ए जिनोम है किसका हैपेटाइटिस ई वायरस का वो कितना लंबा है वो है सेवन पॉइंट टू किलो बेसपेयर्स असल में अच्छा तो ये जो सेवन पॉइंट टू किलो बेसपेयर्स है ये इनकोड करता है ट्रांसलेट करवाता है अपने आपको वैन इट गोज इन साइड द होस्ट सेल इन टू डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोटीन्स एनजाइम्स और रेगुलेटरी प्रोटीन्सो स्ट्रक्चरल एंड रेगुलेटरी प्रोटीन्स प्लस इंजाइम जो कि इस वायरस को ग्रो करने में या फिर इसके से नए वायरस के जीनोम बनाने में यानी उसकी जीनोम की पॉलीमराइजेशन करने में और वो प्रोटीन बनाते है जो कि बाद में जाके उस वायरस के कैप्सिड या उसके स्ट्रक्चर बनाते हैं नाउ दिस वायरस डस नॉट कंटेन एनी एनवेलप मतलब इसका जो स्ट्रक्चर है वो एग्जैक्टली exactly सिमिलर है विथ एचएवी अगर आपको याद हो सो एचएवी वाज आल्सो अ कैप्सिड ऑफ इकोसाइडल

एज ऑन द बेसिस ऑफ दैट जिनोम क्योंकि मैंने बताया कि लाइफ साइकिल टोटली बेस करती है कि हाउ द जिनोम इज एक्चुअली प्लेइंग इन साइड द होस्ट क्योंकि कैप्सिड का सिर्फ और सिर्फ काम तो यही है यह ना कि उसने उस जिनोम को प्रोटेक्ट करना है ठीक है और उसको जाके एक सेल के साइडो प्लाजो में एंट्री करवा देना है यहाँ तक कैप्सिक का, का काम ख़त्म यानी कि जो डिफरेंस क्रिएट होते हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ जिनोम होते हैं ठीक है सो so, अगर जिनोम के ऊपर देखा जाए तो आपके पास जो पांच वायरेसेज हैं उसकी तीन क्लासेज हैं मतलब वो तीन किस्म के जिनोम कंसिस्ट करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल वो वायरस हैं जिनके पास पॉजिटिव सेंस्ड सिंगल स्टैंडर्ड आर है ठीक है और दूसरे वो हैं जिनके पास पार्शली डबल स्टैंडर्ड डी वायरस है मतलब कि एट फर्स्ट पॉजिटिव सेंस सिंगल स्टैंडर्ड आर एन ए फॉर एग्जाम्पल एच ए वी एन एच सी वी दूसरी क्लास है डी एन ए वायरस की यानी कि एच बी वी विच कॉन्टेंट पार्शली डबल स्टैंडर्ड डी एन ए और थर्ड है डेल्टा वायरस विच कॉन्टेन नेगेटिव सेंस सिंगल स्टैंडर्ड आर एन ए अच्छा यहाँ पर हम लोग एच डी वी की जो लाइफ साइकिल है उसको सही से डिस्कस नहीं करेंगे बिकॉज इस वक्त तक ये जो एच डी वी है इसकी जो लाइफ साइकिल है ये ऑलमोस्ट एग्जैक्टली रेरी नहीं है मतलब कि इसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन हमें नहीं है कि हाउ डज दिस एच डी वी वायरस गो इनसाइड द सेल और वहाँ पर किस तरह से अपनी जनऊन को यूज करके अप्रोलिफ्रिएट करता है हमें एग्जैक्ट नहीं पता लेकिन एच बी वी और एच सी वी ए वी और ई वी के बारे में पूरी की पूरी हमें कन्फर्म नॉलेज है कि हाउ डज दिस एक्चुअल वायरस गोज इन साइड द सेल और क्या क्या फंक्शन या किस तरह से अपनी लाइफ साइकिल को कैरी ऑन करता है सो so, हम लोग दो किस्म की लाइफ साइकिल डिस्कस करेंगे एक होगा पॉजिटिव सेंस सिंगल स्टेंड आर एन ए वायरस की और एक होगा डी एन ए वायरस की सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट लेटेस्ट टॉक अबाउट द लाइफ साइकिल ऑफ एच ए वी एच सी वी एंड एच ई वी ना एज वी नो कि इन तीनों वायरस में से जो एच सी वी है वो है एनवेलप वायरस और वो जो बाकी दो हैं वो हैं नॉन एनवेलप वायरस या फिर एन एनवेलप वायरस ठीक है अच्छा नाउ बेसिकली व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एनवेलप इन अ वायरस दे इज अ क्वेश्चन ना असल में जो एनवेलप है वो एक वायरस को एक सेल में एंटर होने में काफी हेल्प आउट करता है नॉर्मली होता ऐसा है कि अगर एक सेल के पास एनवेलप नहीं है तो वो क्या करता है उसका कैप्सिट जाके उस सेल सरफेस के साथ उस सेल की मेम्ब्रेन के साथ अटैच होता है और फिर वो अपना जीनोम उस कैप्ड में से उस सेल के अंदर ट्रांसफर करता है और कैप्सिट बाहर ही रह जाता है लेकिन इफ़ अ वायरस कंटेन एंड एनवेलप तो वो जो है एज वी नो के एनवेर ना तो वो लिपिड बायलेर जाके उस सेल मेम्ब्रेन के साथ जो के भी आल्सो अ लिपिड बायलेयर होती है तो आप वापस में एफिनिटी रखते हैं तो वो जो जो एनवेलप है उसकी जो लिपिड बायलेर है वो जाके सेल मेम्ब्रेन के साथ कंबाइन करती है और जिस तरह से एंडोसाइटोसिस होती है कि एक जो चीज़ है वो आपके सेल के अंदर आ रही है उसी तरह से ये जो वायरस है ये फॉर्म ऑफ वेसिकल आपके पूरा का पूरा जो वायरस है यानी कैप्सिड प्लस जीनोम वो पूरा का पूरा, पूरा आपके सेल साइटोप्लाज्म के अंदर आ जाता है दिस इज द बेसिक फंक्शन ऑफ एनवेलप अच्छा सो so मैं बात कर रहा था ऑन द लाइफ साइकिल्स सो ये जो तीन के तीन वायरस की लाइफ साइकिल्स हैं ये ऑलमोस्ट मैक्रो लेवल के ऊपर सिर्फ और सिर्फ यहाँ तक आपस में से uh, अलग हैं या फिर एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट करती हैं कि वो किस तरह से एक सेल के अंदर अपने आप को एंट्री करते हैं ई और ए डायरेक्ट अपना जीनोम इंसर्ट करेंगे सैटोप्लाजम और जो एच सी वी होगा वो, वो पूरा का पूरा आएगा क्योंकि इट कॉन्टेन एनविलटली तो होगा क्या सो होगा कुछ यूँ कि एस वीनो के देटेन पॉजिटिव सेंस सिंगल स्टैंडर्ड आर एन एन वो पॉजिटिव सेंस सिंगल स्टैंडर्ड आर एन ए डायरेक्ट जाएगा इन टू साइटोप्लाजम ठीक है जब वो वायरस उस सेल के अंदर इन्वेट करेंगे और वो पॉजिटिव सेंस जा उस होस्ट के जो राइबोजोम्स होंगे वहाँ जाएगा और अपने आप को ट्रांसलेट करवाएगा बिकॉज एज वीनो के एम आर एन ए को ट्रांसलेट करके आप प्रोटीन बनाते हैं तो वहां से जब एम ट्रांसलेट होगा तो वहां से बनेगा प्रोटीन यानी उस एम से यानी उस जीनोम से यानी उस वायरस के पॉजिटिव सेंस सिंगल सेंड आर के जीनोम से बनेंगे डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोटीस उस प्रोटीन्स में होंगे डिफरेंट काइंड ऑफ वायरल एंजाइम्स खास तौर पर उस वायरल एंजाइम्स में से एक एंजाइम होगा जिसको आप लोग कहोगे आर डिपेंडेंट आर एन यानी वो आर को देख कर RNA बना सकेगा बिकॉज एज वी नो कि जो नॉर्मली आर एन होता है वो होता है डी डिपेंडेंट मतलब वो डी को रीड करके आर बनाता है लेकिन जो वायरल एंजाइम है यहाँ पर ऑफ दिस वायरस यानी ई वी सी वी एंड एवी वो क्या कर सकता है वो आर एन ए को देख कर आर एन ए बना सकता है तो उस जिनोम ने उस वायरस के जिनोम ने सेल में जाकर क्या किया उसने प्रोटीन्स बनाए बहुत सारे प्रोटीन स्ट्रक्चरल प्रोटीन बनाए इसके अलावा उसने डिफरेंट काइंड ऑफ रेगुलेटरी प्रोटीन बनाए प्लस उसने आर एन ए डिपेंडेंट आर एन ए पोलीमराइज एंजाइम जनरेट किया सो तो जब उसने आर एन ए डिपेंडेंट आर एन ए पोलीमराइज इंजाइम जनरेट किया तो उस इंजाइम ने उसी वायरस के जिनोम को रीड किया ठीक है वो जो पॉजिटिव सेंस सिंगल स्टैंडर्ड आर था ठीक है उसी को रीड किया और उसी की जैसी डिफरेंट किस्म की कॉपीज बना दी तो आपके पास प्रोटीन्स भी बन गए उस वायरस के और आपके पास जीनोम की भी एप्लीकेशन हो गई वाया आर डिपेंडेंट आर एन तो वो जो आ, जो आपका वो जो जीनोम है वायरस का वो जाएगा इन साइड द गोल्जाबराटस और वो जो उसके जो प्रोटीन्स है वो भी जाएंगे इनसाइड साइड द गोल्जीब्राइटिस और वहां से वो आपस में से मिल जाएंगे और जो जीनोम है वो इनसाइड द कैप्सिड आ जाएगा और वायरस की फॉर्मेशन हो जाएगी और अगर वो सी वायरस है तो उसकी जो जब गोल्जीब्राइटिस वो वायरस निकलेगा इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल तो वो जो सी वायरस है उसके साथ वो जो वेसिकल है वो अटैच जाएगा जिसको आप लोग बाद में जाके एनवेलप कहेंगे और बाकी दो केस में ई और ए के केस में वो वेसिकल अटैच नहीं रह पाएगा बिकॉज देट डज नॉट हैव द एफिनिटी टू अटैच दैट वेसिकल लॉन्ग इट्स कैप्सिड तो वो जो बेसिकली वो से हट जाएगा और वो जो वायरसेस हैं वो सेल्स से बाहर चले जाएंगे अच्छा वन थिंग शुड रिम्बर जो एनवेल्प वायरस हैं वो सेल्स को बगैर लाइस किए अंदर आते हैं और सेल को बगैर लाइस किए बाहर जाते हैं और ये क्यों होता है बिकॉज दे कॉन्टेंट एनवेल यानी इनके जो अंदर आने और बाहर आने का जो अमल है वो, वो बिल्कुल एक्जोसाइटोसिस और एंडोसाइटोसिस की तरह होता है और आपको पता है कि एक्जोसाइटोसिस और एंडोसाइटोसिस में सेल की लाइसिस नहीं होती तो एक बात हमें यहाँ से पता लगी कि एवरी वायरस कॉन्टेंट एनवेलप इट डज नॉट लाइस द सेल ठीक है बगैर लाइसिस के वो सेल से बाहर निकल जाते हैं और जब वो बाहर निकलते हैं तो वह नए सेल मैन वेट करते हैं और फिर से अपनी लाइफ साइकिल को रिकन्टिन्यू करते हैं सो दिस वॉज द लाइफ साइकिल ऑफ पॉजिटिव सेंस सिंगल स्टेंट आर एन ए बेस में ये बात करते हैं कि हाउ डज द लाइफ साइकिल ऑफ एच बी वी लुक्स लाइक अगर so, बात करें कि एच किस तरह से एक सेल के अंदर अपने आप को प्रोलीफ्रेट करवाता है तो ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स लाइफ साइकिल है आई विल से आप प्रोसेस के ऊपर फोकस करें देखें सो एज वी नो के जो एच है इट इज एन एनवेलप्ड पार्शली डबल स्टैंडर्ड डी एन ए वायरस ठीक है जो कि कैप्सिड रखता है जिसका शेप कौन सा एग्जैक्टली exactly, है तो होता कुछ यूँ कि जब ये वायरस आपके सेल uh, के पास आता है तो ये अपने एनवलप को जिस तरह से एच सी वी ने किया था आ, आ, उस सेल की सेल मेम्ब्रेन के साथ अटैच करता है और वहां से पूरा का पूरा जो वायरस है वो सेल के अंदर आ जाता है यानी वो न्यूक्लियो कैप्सिड आपके साइटोप्लाज्म के अंदर आ गया अब वो कैप्सिड मूव करता है टुवर्ड्स द न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के पास मूव करने के साथ साथ वो अपने अंदर जो उसका जीनोम होता है अलॉन्ग विद द एक बात याद रखिएगा नो ना कि जो एच वायरस है इट आल्सो कंटेन वायरल पोलीमरेज इंजाइम है और वो जो आपका जीनोम उस वायरस का वो दोनों के दोनों एंटर करते हैं इन साइड बाय क्रॉसिंग द न्यूक्र न्यूक्लियर पोर्स ठीक है जब वो एंटर करते हैं तो जो पार्शली डबल स्टैंडर्ड डी था वो कंप्लीटली डबल स्टैंडर्ड डी हो जाता है विद द हेल्प ऑफ सेलुलर अपोली यानी उस होस्ट के अपने इंजाम उस वायरस के जीनोम को जो कि पार्सली डबल स्टैंडर्ड था उसको कंप्लीटली डबल स्टैंडर्ड में कन्वर्ट कर देते हैं और जब वो कन्वर्ट करते हैं तो उसको वो कॉइल मतलब सर्कुलर फॉर्म में भी कर देते हैं तो उस सर्कुलर फॉर्म ऑफ डबल स्टैंडर्ड डीएनए को आप सी 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 डी एन एनी कोविलेंटली कम्बाइंड सर्कुलर डीएनए असल में होता ही है कि जिनोम के जो दो एंड होते हैं उसको आपस में कोविलेंटली अटैच कर दिया जाता है दैट्स इज एज और ये सर्कुलर फॉर्म में होता है अच्छा अब यहाँ के बाद जब सी 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 डी एन ए बन गया उसके बाद दो पॉसिबिलिटीज हैं आया तो वो जो जिनोम है यानी वो जो सी 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 डी एन ए है वो साइलेंट फॉर्म में चला जाएगा यानी उसी सेल के अंदर कहीं जाके छुप जाएगा कहीं साइलेंट हो जाएगा या तो उस जिनोम की न्यूक्लियर वॉल के साथ अटैच रह जाएगा या दूसरा केस ये के कि वो अपने आप को ट्रांसक्रिप्ट करवाएगा यानी अपने आर एन एज बनवाएगा सो so, uh, अगर वो साइलेंट हो जाता है तो वो बाद में रीएक्टिवेट होकर दोबारा इन्फेक्शन कॉज करेगा ठीक है सो यही करेक्टर जो है ये एच को थोड़ा सा ज़्यादा सिवियर करता है एज फार एज द पैथोजेनेसिड इज कंसर्न लेकिन अगर वो वायरस उस अपने जीनोम को ट्रांसक्रिप्ट करवाएगा सो so, उस सी 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 डी एन ए से विद द हेल्प ऑफ सेलुलर पोलीमरेज इन्जैम अगेन यानी सेल uh, के अपने आर एन ए पोलीमरेज उस सी 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 डी एन ए को यूज़ करेंगे ठीक है और वहाँ से बनाएंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एम आर एन एज यानी मुख्तलिफ किस्म के एम आर एन ए वहाँ से जनरेट होंगे एज वी नो के वो डी एन ए है उससे आर एन ए बना उसको आपने कहा मैसेंजर आर एन ए और ये प्रोसेस हुआ ट्रांसक्रिप्शन ठीक है अच्छा ये जो आर एन ए बने इसमें बहुत सारी टाइप्स होती हैं बहुत किस्म के आर एन ए जनरेट होते हैं ठीक है बिकॉज एज वी नो के दिस जीनोम कॉन्टेंट फोर डिफरेंट ओ आर एफ यानी फोर डिफरेंट जींस ना सो so, इनमें से जो एक एम आर एन ए उसको आप लोग कहते हैं पी जी आर एन ए यानी प्री जिनोमिक आर अच्छा इसी प्री जिनोमिक आर को यूज़ करके जो वायरल पोलीमरीज इंजाम है जो वायरल रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इंजाम है जो कि उस वायरस के अंदर प्रेजेंट था वो इस एम से बाद में जाकर डी बनाएगा लेकिन जो बाकी दूसरे एम आर जनरेट हुए हैं वो इस वायरस के जो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स हैं जिसमें इसके एंटीजें्स इसके कैप्सिट के प्रोटीन्स इसके एनविलप के एंटीजेंस ठीक है और इसके डिफरेंट रेगुलेटरी प्रोटीन्स डिफरेंट प्रोटीज एंजाइम्स जो कि इस इस वायरस को आगे जाके बहुत सारे वायरस में कन्वर्ट होने के लिए काफ़ी हेल्प करेंगे तो वो जो आ, डिफरेंट किस्म के एम आर एन एज जनरेट होंगे अपार्ट फ्रॉम पी जी एम आर ए या फिर पी जी आर एन ए वो सारे के सारे जो एम आर जो आर एन एज हैं वो इस किस्म के एंजाम्स से फिर प्रोटीन्स जनरेट करेंगे और वो जो प्रोटीन्स है वो लेट्रॉन जाकर इनसाइड द गोल्जी ब्राइटस उस वायरस की असम्बली करेंगे मतलब उसको फॉर्म करेंगे और फिर वो जो uh, होगा ये कैजविनो के वो जो एक एंजाइम जो वायरल पॉलीमरेज एंजाइम अलोंग विद द डीएनए इस न्यूक्लियस के अंदर एंटर हुआ था वो उस एमआरएनए को डीएनए में कन्वर्ट कर देगा बाय द प्रोसेस ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन और जब वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्रोसे के प्रोसेस के थ्रू उसको वहां से कन्वर्ट करेगा तो वो जो सिंगल स्टैंडर्ड डी फॉर्म हुआ है अलॉन्ग विद द हाइब्रिड ए बिकॉज आपको पता है आर से डी बना है ना सो तो आर के ऊपर आपने डी एन ए की कॉम्प्लीमेंटेशन किए तो आर एन हाइब्रिड हुआ होगा ठीक है और उसमें वो जो पॉलीमरेज एंजाइम है जब ये काम करता है तो अलोंग द प्रोसेस वो थोड़े थोड़े आर एन ए है उसको क्लीव भी करते जाते हैं मतलब कि नाउ वट यू गॉट आफ्टर द रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन यू गॉट अ कंप्लीटली लॉन्ग स्टैंड ऑफ डी एन ए जिसके ऊपर थोड़ी थोड़ी पोर्शन के ऊपर आर एन ए लगे हुए हैं और थोड़ी पोर्शन के ऊपर आर एन ए रिमूवड है लेटर ऑन क्या होता है कि वो जो अच्छा एक और बात जब ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होती है सो तो एज वी नो के जो आपका रिवर्स ट्रांसक्रिप्ट जो वायरल रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है वो एक एंड से रेप्लीकेशन स्टार्ट करता है या फिर कंप्लीमेंटेशन स्टार्ट करता है और दूसरे एंड पे आके रुक जाता है जब वो रुकता है तो वहीं पर अटैच हो जाता है और जब अटैच होता है तो जब ये जीनोम आगे जाके कैप्सिड में फिट होगा तो वो उस एंजाइम को भी साथ ले जाएगा तो एंजाइम उस वायरस में कहाँ से आया वो यहाँ से आया कि जब उसने रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की उस आर की तो आगे जाके वो डी वाली स्टैंड के साथ क्या हो गया वो बाउंड हो गया किसी भी तरह से उसकी एक लिंकेज क्रिएट हो गई अच्छा ये जो लिंकेज है ये होती तो रैंडम है लेकिन बाद में जाके ये उस वायरस के लिए थोड़ी सी बेनिफिशियल हो जाती है बिकॉज़ एज वी कैन सी एज वी आर सीइंग राइट एट द मोमेंट कि वो किस तरह से फायदा पहुंचा रही है। अच्छा तो जब इस तरह से डीएनए की एक स्ट्रैंड फॉर्म हुई तो उस पॉइंट के ऊपर जो सेल का एक और अपना डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम होगा वो इस हाफ स्टैंड को कंप्लीट करेगा लेकिन जब वो डीएनए पॉलीमरेज हाफ स्टैंड को कंप्लीट कर रहा होगा उसी मोमेंट के ऊपर इस सिंगल स्टैंड या फिर इस ऑन प्रोसेस वाली स्टैंड को वो जो सेल है वो कैप्सिड के अंदर लॉक कर देगा और इसी वजह से के ड्यूरिंग द प्रोसेस यानी ड्यूरिंग द कंप्लीशन ऑफ दैट सिंगल स्ट्रैंड वो जो जीनोम है वो जो डीएनए है वो इनकेपसिड हो जाता है इनसाइड द कैप्सिड

अच्छा जब भी बनता है सो अगेन एज एबसाइड के जितने भी एनवेलप वायरसेस हैं ठीक है तो वो जब सेल के अंदर आते हैं तब भी बगैर लाइसेज के अंडर होते हैं और जब सेल के बाहर जाते हैं तब भी बगैर लाइसेस के यानी वेन एवर दिस एच बी वी यानी जब नए एच बी वी वायरस जनरेट हो गए तब भी वो बगैर सेल को लाइस किए हुए उस सेल से बाहर निकल जाएंगे सही है सो so, हुआ क्या हुआ ये एज यू कैन सी ऑन दर स्क्रीन के पूरा का पूरा जो प्रोसेस है वो इस इमेज में कम्प्लीटली डिस्क्राइब है कि किस तरह से वो वायरस आपके सेल के अंदर एंटर हुआ उसका जो पूरा का पूरा, पूरा कैप्सिड और जिनोम था वो सारा अंदर आ गया उसके बाद उस कैप्सिड में से जिनोम और एजाम एन्जाम यहाँ पर आई थिंक शो नहीं हुआ लेकिन वो जो जो और जीनोम था वो सारा आपके न्यूक्लियस के अंदर आया फिर उस वहाँ उसके बाद उसने उस जीनोम से यानी आपके जो अपने एंजाइम थे उसने वहाँ से उस जीनोम से एम आर जनरेट किए उसमें से एक एम को आपने कहा कि प्री जिनोम ए कार्य है जहाँ से बाद में जाके रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस के थ्रू डी बनेगा और डिफरेंट किस्म के प्रोटीन इनकोडिंग एम जनरेट हुए जिन्होंने बाद में जाके वो प्रोटीन वो एंजाम वो रेगुलेटरी प्रोटीन बनाए जिन्होंने उस वायरस को बनने में और फर्दर प्रोलीफ्रेट करने में काफ़ी हेल्प आउट किया और फिर जब इस तरह से किया तो डिफरेंट किस्म की प्रोटीन जब जनरेट हो गए वो गए गोल्जी ऑबरेटिस में और वहां पर जाके जीनोम की इनकेप्सुलेशन हुई अलॉन्ग विद द प्रोसेस ऑफ कंप्लीशन ऑफ दैट सिंगल स्टैंडर्ड जिसकी वजह से वो पार्शली डबल स्टैंडर्ड रहा और उसके बाद जब वो वेसिकल जब उस सेल से बाहर निकला सो चूंकि ये जो वायरस है ये थोड़ी सी एफिनिटी रखता है उस लिपिड बाइलर के साथ तो वो जो एनवेलप जो जो लिपिड बाइलर है वो अटैच रही और उस लिपिड बाइलर को बाद में जाके आपने एनवेलप कहा सो दिस

इन वायरसेज की लाइफ साइकिल इन साइड ये इलेक्ट्रॉन किस तरह से जाकर हेपेटाइटिस कोज करती है और इस वीडियो में खासतौर पर हम लोग डिस्कस करेंगे द पैथोजेनेसिस ऑफ दिस हेपेटाइटिस सीरीज अगर आपने आ, बात अगर शुरू से स्टार्ट की हो मीनस कि अगर आपने फर्स्ट वीडियो देखी हो सो वी हैव डिस्कस्ड बेसिकली वायरोलॉजी इन दैट वीडियो हमने मतलब एज वी नो हेपेटाइटिस इज अ वेरी वेस्ट डिजीज़ और बहुत ही डाइवर्स डिजीज़ है मतलब ये बहुत इसके कॉजेज हो सकते हैं वन ऑफ विच इज वायरल इन्फेक्शन और पिछली वीडियो में हम लोग ने उस वायरल इन्फेक्शन के जितने भी मेन वायरसेस थे जो केबेराटिस को रिजल्ट कर रहे थे उसको हम लोगों ने डिटेल में उसकी वायरोलॉजी को स्टडी किया है उसकी लाइफ साइकिल वट एवर ऑल ऑफ द मटीरियल वॉज हम लोगों ने उस आपको कवर किया है एंड नाउ हम लोग इस वीडियो में इस बात को डिस्कस करेंगे कि वो तमाम के तमाम वायरस इस हेपेटाइटिस को किस तरह से कॉज करते हैं मीन्स के वी आर डीलिंग विद द पैथोजेिस ऑफ हेपेटाइटिस बट बिफोर गोइंग इन टू द पैथोजेस लेट इस फर्स्ट डिस्कस द कंपेरेटिव वायरलॉजी नाउ वट डू यू मीन बाई कम्पेरेटिव वायरलॉजी बिकॉज एज वी नो के यार देखो जितने भी वायरल इन्फेक्शन होते हैं ना और खास पर वो इन्फेक्शन या वो स्टडीज इसमें आप लोग वायरसेस से डील कर रहे होते हैं तो वायरसेज से डील करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है बिकॉज ये जो वायरसेस हैं इनका स्ट्रक्चर बिहेवियर करेक्टरिस्टिक्स कुछ इस तरह के हैं ये, के ये आ, मतलब नॉर्मल ह्यूमन थिंकिंग में नहीं आते मतलब दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स टू डी एंड कॉम्प्लेक्स टू अंडस्टैंड विद और खासतौर पर जब भी इन्फेक्शन कॉज करें तो ही कुछ ज्यादा ही कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं नाउ फॉर एग्जाम्पल हेयर एज यू कैन सी के देर आर फाइव मेजर वायरसेज राइट फॉर एग्जाम्पल एच ए वी एचबीवी एच सी एच डी वी एन एच ईवी देल कॉजिंग द सेम डिजीज तो अगर हम लोग वन बाय वन मतलब फॉर एग्जाम्पल एच एव को देखें कि वो किस तरह से डिज कॉज करें मतलब इसको अलग स्टडी करें इसको अलग करें तो थोड़ा सा हमारे लिए मुश्किल और टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है तो देर अ वेरी इजी स्ट्रेटेजी टू डील विद दिस प्रॉब्लम कि आप उसको कंपेयर करें सो हेयर वी आर डूइंग द सेम मतलब वी आर

इन सब वायरसेस की और भी बहुत सारे करेक्टर्स पर हो सकती है लेकिन मैंने क्या कहा कि वहां पर सिर्फ और सिर्फ वो करेक्टर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं उन्हीं करेक्टर के ऊपर हम लोग इन वायरसेस को कंपेयर कर रहे हैं जिसका ताल्लुक हमारी पैथोजे साथ है सो लेट लेटस डिस्कस द कम्पेरेटिव वायरोलॉजी सो फर्स्ट ऑफ ऑल हेयर एजू कैंसी के तमाम के तमाम करेक्टरिस्टिक हैं जिसके ऊपर हम लोग तमाम पांच वायरसेस जो हैं उनको कंपेयर या फिर डिफ्रेंशिएट uh, करेंगे सो फर्स्ट इज कैप्सिड शेप एज यू नो के वायरसेस के अंदर दो चीजें बहुत प्रोमिनेंट होती हैं और बहुत फंडामेंटल मतलब दो चीजें आपको मिलेंगी ही मिलेंगी हर वायरस के अंदर एक उसका प्रोटीन मतलब

बहुत हेल्प right? so, तो क्या होगा इनकी जो एनवेलप होगी हो वो उस लिपिड बॉयर के साथ जो के उस लिविंग सेल में बिकॉज एज मिनो के हमारे पास जितने भी लिविंग कंटेन लिपिड जिसको आप लोग सेल मेम्ब्रेन कहते हैं so, इसका एनवेलप उसके साथ बाउंड करेगा और उस बाउंड करने के नतीजे में जो वायरस होगा यह सेल के अंदर पेनीटेट कर जाएगा ठीक है सो दिस इज द बेसिक फंक्शन ऑफ एनवेलप ठीक है इसके अलावा भी बहुत सारे फंक्शन इनको प्रोटेक्ट करता है एक शेप में रखता है मतलब कि टर्स ऑफ डिफरेंट थिंग वी कैन डिस्कस लेकिन यहां पर हम लोग को डिस्कस कर रहे हैं ठीक है so, सो यहाँ पर इस एनवलप का रोल क्या है फॉर एंट्रेंस मतलब एंट्रेंस दे रहा है इन तमाम वायरसेस को जिनके पास है थीके? मतलब जस्ट लाइक एक्जोसाइटोसिस एंड एंडोसाइटोसिस मतलब उसकी मतलब इन वायरसिस की एंट्रेंस और एग्जिट बिल्कुल एक्जोसाइटोसिस और एंडोसाइटोसिस की तरह होता है अच्छा और एक और बात अगर ऐसे वायरसेस जो कि एनवेलप कंटेनिंग होते हैं जब वो सेल के अंदर जाते हैं और बाहर जाते हैं तो उनके अंदर और बाहर जाने से सेल की लाइसिस नहीं होती है ना वन थिंग शुड बी रिमेंबर ठीक है ये चीज आगे जाके आएगी हमारी पैदोजनिस के अंदर मतलब के एच बी वी एच सी एच ट वी वैन गोज इन साइड और आउटसाइड द सेल देट इज नॉट कॉज लाइसिस ऑफ सेल ठीक है अच्छा अगर जीनोम की बात करें सो एच ए वी एच सी वी एंड एच ईवी कॉन्टेंट पॉजिटिव सेंस सिंगल स्टैंडर्ड आ रहे हैं एज यू नो इफ यू वॉच द वीडियो और इसके अलावा जो एच बी है इट कॉन्टेंटें पार्शली डबल स्टैंडर्ड डी एन है ठीक है मतलब एच बी वी एज अ डेन वायरस ठीक है एज वी नो ऑलरेडी एच इज नेगेटिव सेंस सिंगल स्टैंडर्ड आर एन एगेटिव पॉजिटिव है इसको मैं थोड़ी सी देर में डिस्कस करने वाला हूं कहीं मत जाएगा ठीक है अच्छा अगर इंक्यूबेशन पीरियड ऊपर बात कि हाउ मच टाइम दिस वायरस इज विल टेक यानी इनको कितना वक्त लगता है एक होस्ट में enter होने से लेकर उस होस्ट के अंदर वो डिजीज कॉज करने तक यानी एक वायरस आपकी बॉडी में एंटर हुआ वापसी लेकर जब आपके अंदर उस हेपेटाइटिस रिलेटेड सिम्टम्स पहली मतलब अपेयर होंगे मतलब वो एक्चुअल में डिजीज़ कॉज हो जाएगी उस वक्त तक का जो टाइम है उसको आप लोग कहते हैं इंक्यूबेशन पीरियड एच ए वी के केस में होता है थर्टी डेज एच बी वी में नाइन्टी डेज सी वी में फोटी डेज एच डी वी में फिफ्टी डेज एच ई वी में थर्टी डेज ठीक है अच्छा यहाँ पर एक बात नोट करेंगे जितने भी एनवेलप वायरस हैं लाइक बी सी एंड डी उनका जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो थोड़ा ज़्यादा है राइट ये इसलिए होता है क्योंकि जो एनवेलप है इनके सेल के अंदर जाने और बाहर जाने से सेल को कोई को नुकसान नहीं पहुँचता लेकिन इस केस में सेल को नुकसान पहुंचता है मतलब जब एच सेल के बाहर जाते हैं तो वो सेल की लाइसिस करते हैं और जब सेल की लाइसिस होती है तो उसका इम्यून सिस्टम को अच्छी तरह से खबर हो जाती है और इस केस में मतलब जब जहाँ पर सेल की लाइसिस हो रही है वहाँ पर इम्यून सिस्टम बहुत जल्दी एक्टिव हो जाता है लेकिन इस केस में बिकॉज दैट के वो सेल क्लासेस नहीं करते हैं इम्यून सिस्टम बहुत लेट एक्टिव होता है सो दैट्स इनका इनक्यूबेशन पीरियड भी थोड़ा सा एक्सटेंडेड है ठीक है अगर रूट ऑफ एंट्री की बात करें सो एच ए वी एंड एच ई वी एक्चुअली इन्वेड योर बॉडी फ्रॉम योर इंटेरियल पार्थ वे नाउ इंटेरियल मंथ ई एन टी आर ई एन टी आर मतलब एंटर मीन्स एंटेस्टाइन राइट मतलब कि ये ई एन टी आर का मतलब होता है इंटेस्टाइन मतलब कि एच ए वी और एच ई वी आपके इंटेस्टाइन के थ्रू आपकी बॉडी में इन्वेट करते हैं एज वी नो कि जब आप कोई चीज खाते हैं वो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में जाके वो होती है डाइजेस्ट और डाइजेस्ट होने के बाद वो आपकी इंटेस्टाइन में हो जाती है एब्जॉर्ब तो जब वहां से फूड एब्जॉर्ब होगा उसी पाथवे पर ये एच ए वी एंड एच ई वी अगर आपके खाने या आपके लिक्विड में जिसको आप पियेंगे अगर वहाँ शामिल है तो या वो आपसे आपके ब्लड में आ जाएगा वहां से और ब्लड से कहाँ जाएगा लिवर में और लिवर में जाकर वो इन्फेक्शन कॉज कर देगा एच डी वी एच सी वी एन एच डी वी कैन नॉट इन वेट फ्राम इंटेस्टाइन दे ऑलवेज कम फ्रॉम पार एंटरल नाउ पार द वर्ड पार कम्स फ्रॉम पेरा सो द वर्ड पेरा मीन्स अराउंड यानी कि पार एंटरल मीन्स नॉट इन इंटेस्टाइन मतलब कि दिस बैक्टीरिया कैन नॉट इन फ्रॉम इंटेस्टाइन और इंटेस्टाइन के अलावा जितने भी दूसरे रास्ते हैं फॉर एग्जांपल बॉडी फ्लूड के कांटेक्ट में सेक्सुअल ट्रांसमिशन आ जाती है इसमें मदर uh, अपने बेबी को थ्रो मिल्क uh, या फिर ड्यूरिंग द बर्थ इस तरह से कन्वे कर सकती है ठीक है यानी कि इंटेस्टाइन के अलावा जितने भी रूट्स ऑफ ट्रांसमिशन है इन विच अ बॉडी फ्लूइड ऑफ अनोदर पर्सन कैन कॉन्टैक्ट इन टू और विद योर ब्लॉडी फ्लिड तो वहां से उस वायरस के ट्रांसमिशन के रास्ते हो जाते हैं ठीक है अच्छा नाउर इस क्वेश्चन के वाई दे केन नॉट इन्वेड यानी ऑल एनवेल्प कंटेनिंग वायरेसेज मतलब एच बी वी एच सी वी एच डी वी अच्छा वन थिंग शुड भी रिम्बर यहाँ देखें कि जितने भी एनविलप कंटेनिंग वायरसेज हैं लाइक बी सी डी दे ऑल कैन नॉट इन्वेड फ्रॉम इंटस्टाइन कैन यू नो वट द रीजन बिहानंडट द रीजन इज वेरी सिंपल एज वी नो के हमारे डायजेस्टिव सिस्टम में होते हैं बहुत सारे इन्जाम्स उन बहुत सारे इंजाम्स में से एक एजाम होता है फोर्सफो लाइफ पेज ना फोस्फोलाइपेज मीन्स के एन एन्जाइम विच क्लीवेज फोस्फोलिपिड और आपको पता है कि जो लिपिड बाय होती है इन जो एनवेलप होता है यानी जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो किसकी बनी होती है वो फोस्फोलिपिड की बनी होती है यानी कि योर डाइजेस्टिव सिस्टम कॉन्टेन एन एंजाइम विच एक्चुअली क्लीव्स और ब्रेक्स और डिस इंटीग्रेट्स द एनविलप ऑफ ऑल ऑफ दिस लप कंटेनिंग वायरसेस जिससे उनकी डिसइंटीग्रेशन हो जाती है मतलब कि दे ऑल डिस्ट्रॉय इन अवर डाइजेटिस बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ फोर्सफुल लाइफ पे सो दैट्स वाई दे कैन नॉट इन वेट थ्रो इंटेरियल पाथ पर ठीक है अगर के ऊपर बात करें कि यह जो एच ए वी एच बी वी और एच सी वी और एच डी वी और एच ई वी की कॉज ई इन्फेक्शन है ये, कि, ये कितने खतरनाक है सो एच ए वी और एच ई वी माइल्डर इन्फेक्शन कॉस करते हैं मतलब कि इनके इफेक्शन विद इन वन टू टू मंथ्स रिकवर हो जाते हैं ठीक है मतलब दे आर नॉट दैट मच सिवियर लेकिन जो एच बी वी और एच सी वी और एच डी वी दे वेरी वेरी सिवियर इन्फेक्शन ना वायरस इज सो मच सिवियर नो दिस सिवेरिटी इज़ डायरेक्टली कंटेक्ट विद दिस एनविलव क्योंकि मैंने बताया कि ये वायरसेज आपके सेल में जाएंगे और आएंगे लेकिन आपको पता ही लगेगा मतलब कि आपका एक दुश्मन है जो कि आपके रिडार में नहीं आ रहा मतलब इनविजिबल है मतलब वो आपको नजर ही नहीं आ रहा तो आप लोग उसको किस तरह से रहेंगे लेकिन एक ऑन द उदर हैंड एक ऐसा आपका दुश्मन है जो कि आपके रिडार uh, में आ सकता है जिसको आप देख सकते हैं जिसको आप डिटेक्ट कर सकते हैं तो उसको मानना आसान है ना सो देट्स वाई ऑल ऑफ दिस वायरसिस बिकॉज दे कैन नॉट कम्स अंडर यू नो इन कॉन्टैक्ट विद अवर इम्यून सिस्टम बिकॉज देट डज नॉट चेंज एनी थिंग इन अवर बॉडी क्योंकि मैंने बताया कि बिकॉज ऑफ एनवल वो सेल के अंदर जाते हैं और बाहर आते हैं विदाउट एनी डिस्टर्बशन ऑफ सिस्टम ठीक है तो इस तरह की केस में दे के नॉट बी डिटेक्टेड बाय द इम्यून सिस्टम और ये बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाते हैं ठीक है थीके? अच्छा अगर रिस्क ऑफ कार्सिनोमा की बात करें कि हाउ डज हाउ डज को तो बाद में डिस्कस करेंगे लेकिन uh, ये डिस्कस करते हैं कि इनमें से कितने वायरसेज कार्सिनोमा uh, या फिर इन शॉर्ट कैंसर कॉज कर सकते हैं साइट लेवर हिपैटोसेलर कार्सिनोमा कितने वायरसेज कॉज कर सकते हैं सो एच ए वी एन एच ईर नॉट कॉज कार्सिनोमा मतलब दे के नॉट कॉज कैंसर देर नॉट कैंसर ठीक है लेकिन एच बी वी एच सी वी और खास तौर पर एच डी वी बहुत ज़्यादा होते हैं कार्सिनोजेनिक मतलब दे कैन कॉज कैंसर नाउ इनके कैंसर के पीछे क्या रीजन है इसको भी डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में इन द पैथोजेनेसिस ठीक है अच्छा अगर जिनोम साइज पर बात करें सो इट इज इन फ्रंट ऑफ यू एच ए वी इज सेवन पॉइंट फाइव टू एट के पी पी यानी इनके जो जिनोम साइज है वो ये सात हजार पांच सौ से लेकर आठ हजार किलो सॉरी आठ हजार बेस पे के मीन थाउजेंड सेवन पॉइंट फाइव के मीन सेवन पॉइंट फाइव थाउजेंड ठीक है सो ये इन सब का जिनोम साइज एज यू कैन सी वीडियो पॉज करके नोट कर लें ठीक है अच्छा अगर क्रोनिसिटी सिटी पर बात करें ना वट डू मीन बा क्रोनिसिटी आपको पता है कि मेडिकल साइसिस में दो किस्म के इन्फेक्शन होते हैं एक को आप लोग कहते हैं एक्यूट और एक दूसरे होते हैं होते हैं क्रॉनिक एक्यूट वो इन्फेक्शन जिनका टाइम ड्यूरेशन सिक्स मंथ या फिर सिक्स मंथ से कम होता है अच्छा जनरल प्रोस्पेक्टिव यह कि वो बीमारियां जो कि लंबी चलती हैं उसको आप लोग कहते हैं कि देर क्रॉनिक डिजीज और जो कि कम चलती हैं मतलब टाइम ड्यूरेशन में कम होती हैं उनको आप लोग कहते हैं एक्यूट है वो ठीक है अच्छा नाउ वन थिंग यार के साइंस में जजमेंट नाम की कोई चीज़ नहीं होती मतलब अंदाजा नहीं लगाया जाता आपको कहा जाता है कि यार हमें एक फैक्ट दो या तो हमें एक फिगर दो जिससे हमें एग्जैक्ट पता लग सके कि क्या है तो बाज बुक में ये फिगर है सिक्स मंथ के अगर कोई बीमारी सिक्स मंथ से ज़्यादा की है तो आप लोग कहते हैं कि जनाब वो क्रोनिक है और अगर उससे कम की है तो वो एक्यूट है एच ए वी एंड एच सी वी दे आर एक्यूट वायरस विच कैन कॉज एक्यूट इन्फेक्शन मतलब इनके कॉज हुए हुए इन्फेक्शन क्या होते हैं लेस देन सिक्स मंथ पर होते हैं मतलब सिक्स मंथ के अंदर अंदर वो होंगे भी कंप्लीट uh, पाथवे भी होगा उनका और वो रिकवर भी हो जाएंगे बट इन केस ऑफ एच बी वी एच सी वी र हाईली क्रॉनिक खासतौर पर एच सी वी ना वाई एच सी वी इज क्रॉनिक अगर आपने पिछली वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा इट्स बिकॉज दिस वायरस इज लैक्स फाइव प्राइम टू थ्री प्राइम एक्सो न्यूक्लियस इनजैम इफ यू नो टू वॉच दट आई विल मस्ट रिकमंड मैंने उस वीडियो में बहुत बहुत इंपॉर्टेंटेंटें अच्छे डिस्कस की है प्लीज वॉच दिस वीडियो ठीक है अच्छा सो अगर बात करें एंटी सीरा कौन सी बनती है इन वायरस के खिलाफ मतलब एज व्यू नो के हर चीज की होती है एंटीजन मतलब हर चीज के पास होता है जो कि हमारी बॉडी में फॉरन होती है उसके पास होते हैं एंटीजन और एंटीजन के दूसरा नाम एंटीसीरा ठीक है एच बी वी केस में होते हैं एच बी सी एस ई एंटीजन मतलब सी फॉर कैप्सिड मतलब कैप्सिड के प्रोटीन्स एस फॉर सरफेस यानी कि उसके एनविलप के ऊपर जो प्रोटीन्स होते हैं जो एंटीजन होते हैं ठीक है और ई मीन्स आल्सो एनविलप लेकिन ये खास तौर के होते हैं जो कि कैप्सिड और आ, उस एनविलप के दरमियान प्रेजेंट होते हैं ठीक है और एक और प्रोटीन होता है जो कि इस वायरस के अंदर यानी इस वायरस की जुनोम के अंदर होता है विच इज एच बी एक्स इसके खिलाफ भी एंटीजन बन सकते हैं नाउ एच बी एक्स का क्या रोल है इसको भी मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस कर रखा है ठीक है अगर बात करें एच सी वी के अंदर तो इसके अंदर भी वो होते हैं सी एस ई यानी सी फॉर कोर सरफेस, आल्सो इज़ प्रेजेंट इन बिटवीन के अंदर होता है सिर्फ और सिर्फ एच एंटीजन ना एक बात याद रखेगा कि एच सिर्फ और सिर्फ एक एंटीजन कोड करता है या फिर एक प्रोटीन कोड करता है कह सकते हैं मतलब इसके पूरे पूरे जिनोम में सिर्फ और सिर्फ एक प्रोटीन होता है जी मतलब एच यानी हेपेटाइटिस एच डी वायरस ठीक है एंटीजन ठीक है एच ई वी में होता है एच ई यानी हेपेटाइटिस ई कोर या फिर कैप्सिड एंटीजन ठीक है तो ये थी आपके पास कुछ कंपेरिटिव वायरोलॉजी लेट्स नाउ टॉक अबाउट दिस पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेंस के उसका क्या बेसिकली मतलब होता है सो नाउ लेट अस डिस्कस दैट के पॉजिटिव और नेगेटिव सेंस का क्या मतलब होता है बिकॉज एज वी नो के जो एच ए वी एच सी वी एंड एच ई वी है उसका जो कौन सा है पॉजिटिव सेंस सिंगल स्टैंडर्ड आ रहे हैं एंड ऑन द अदर हैंड एच डी वी का जुनोम नेगेटिव सेंस सिंगल स्टैंडर्ड आ रहे हैं सो बेसिकली वट डू यू मीन बाय दिस पॉजिटिव और नेगेटिव देखें एज वी नो के हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में एक प्रोसेस होता है जिसमें वो अपने डी एन ए से है, प्रोटीन बनाता है रायबोजो मतलब इस पूरे प्रोसेस को आप लोग कहते हैं जीन एक्सप्रेशन होता कुछ है कि डीएनए से एट फर्स्ट बनती है एम इस प्रोसेस को आप लोग कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन ठीक है यानी डी को ट्रांसक्रिप्ट करके एम आर जनरेट किया जाता है और फिर एम को ट्रांसलेट करके प्रोटीन जनरेट किया जाता है सो दिस बेसिकली एज यू कैन सी के ए एल ए वी एल एस ई आर जी एल वाई ये क्या है ये अमाइनो एसिड्स हैं जो आपस में जुड़े हुए थे और फोर अमायनो एसड फॉर एग्जाम्पल एलनिन वेलिन सीरीन ग्लाइसिन इन चार अमायनो एसिड को जोड़कर बनता है बिकॉज एज वी नो के अमाइनो एसिड आर द बिल्डिंग ब्लॉक और द मोनोमर ऑफ प्रोटीन ना फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ द प्रोटीन ठीक है अच्छा नाउ एज वी नो के होता कुछ यूं है कि जो एम आर एन ए होता है उसकी कॉम्प्लीमेंटेशन में आके बैठता है टी आर एन और उस टी आर एन ए के साथ होता है क्या अमायनो एसिड और जिस जिस तरह से इसकी कॉम्प्लीमेंटेशन के ऊपर वो टीआर ए बैठते जाते हैं तो उनके साथ जितने भी अमाइनो एसिड होते हैं वो उस चेन में जुड़ते जाते हैं और अमाइनो एसिड की लंबी चेन या इन शॉर्ट प्रोटीन जनरेट होता जाता है नाउ अब समझते हैं कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव चेंस है क्या असल में ये स्टार्ट होता है डी एन ए से नाउ अब मुझे बात बताओ कि मुझे ये प्रोटीन जनरेट करना है और इस प्रोटीन की जो टी आर एन ए है उसका बेस है या, या उसकी बेस पेयरिंग है ये फॉर एग्जाम्पल एलानिन का है ए वेलिन का है सी 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 सीरीन का है टी 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 ग्लासिन का ए टी ए अच्छा अब मुझे बताओ कि फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास एम आर एन ए का मैं थोड़ी देर के लिए छुपा देता हूँ और मैं आपसे पूछता हूं कि बताओ कि अगर मुझे ये प्रोटीन जनरेट करना है तो मैं इस डी एन ए के एजीनो के डी एन ए से डबल स्टैंड ना तो मैं इस डी एन ए की कौन सी स्टैंड से एम आर एन ए जनरेट करूँ इससे या फिर इससे ना पॉज द वीडियो एंड थिंक अबाउट दैट सो देखें अगर मैं इस डी एन ए की स्टैंड को कॉम्प्लीमेंट करके एम आर ए जनरेट करता हूँ तो सीक्वेंस क्या बनेगा लाइक ए ए ए सी 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 टी 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 एन ए टी ए फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने सोचा कि यार मुझे ये वाली अप्रोटीन बनानी है तो मैं इस वाली स्टैंड से अपनी एम आर एन ए जनरेट कर देता हूँ तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैंने क्या बना दिया दिस इज़ माई एम आर एन ए राइट अच्छा अगर मैं इस एम आर एन ए को रीड करूँगा तो देखते हैं कि क्या ये टी आर एन एज उसी सीक्वेंस के ऊपर बैठ पाएंगे तो फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पर मतलब एट फर्स्ट मुझे बैठाना है इस ए ए ए को यानी कि एलानीन कंटेनिंग टी आर एन ए ना वट आर दिस कोडोन दिस कोडन आर बेसिकली वट टी आर एन ए विद एक्चुअली अच्छा टी मीन्स ट्रांसफर ये ट्रांसफर करते हैं अमाइनो एसिड को राइट अच्छा तो मुझे बताइए क्या ए ए ए के ऊपर ए ए ए बैठ सकता है मतलब कि कैन ए ए ए कॉम्प्लीमेंट विद ए ए ए एन शॉर्ट कैन कैन ए कैन बी पेयर विद ए द आंसर इज नो ना बिकॉज हमें पता है कि ए ऑलवेज पेयर विद टी एंड जी ऑलवेज पेयर विद सी तो अगर मुझे ये प्रोटीन जनरेट करना है तो मुझे एम इस ऊपर वाली स्टैंड से जनरेट करना पड़ेगा मतलब कि नाओ इन दिस केस दिस इज माई पॉजिटिव सेंसड सिंगल स्टैंडर्ड डी और इससे जो एम आर जनरेट होगा वो कौन सा होगा वो भी पॉजिटिव सेंस होगा मतलब के द एम आर एन ए विच एक्चुअली डी कोड्स द प्रोटीन दैट एम आर एन ए इज नॉन ए पॉजिटिव सेंस एंड दैट डी एन ए स्टैंड जिसकी कॉम्प्लीमेंटेशन में वो एम बने जिससे इलेक्ट्रॉन जाके प्रोटीन जनरेट हो सके एक खास सीक्वेंस का तो उस स्टैंड को भी मैं क्या कहूँगा कि ये पॉजिटिव सेंस है और उस पॉजिटिव सेंस के साथ जो कॉम्प्लीमेंट में लगी होगी उसको मैं ये कहूँगा कि वो नेगेटिव सेंस है अच्छा अगर इसकी मैं एंटी कॉम्प्लीमेंटेशन करता हूँ मतलब कि मैं इस एम से बना देता हूँ ए लाइक सी 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 टी 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 ए टी ए तो मैं अगर इसकी कॉम्प्लीमेंटेशन में एक दूसरी एम आर जनरेट कर दूँगा जो कि इस प्रोटीन के लिए कोट नहीं करेगी वो इस प्रोटीन के अतबार से वो कौन सी होगी वो होगी नेगेटिव सेंस मतलब कि इस प्रोटीन को बनाने के लिए ये नेगेटिव सेंस है मतलब कि इसको आप सेंस या फिर फील या फिर आपके एंजाइम जो आपकी सेल में अंदर होंगे वो इस स्टैंड को इस प्रोटीन की कोडिंग के लिए नहीं कैप्चर कर सकते बिकॉज कॉम्प्लीमेंटेशन मैच नहीं करेगी सो so, ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव सेंस का सीन है ये सिर्फ और सिर्फ डिपेंड uh, करता है किसके ऊपर कि एक खास प्रोटीन को बनाने के लिए आपको कौन सी कॉम्प्लीमेंटेशन की जरूरत है अगर कॉम्प्लीमेंटेशन एक खास तौर एक खास स्टैंड के ऊपर प्रेजेंट है ठीक है तो उसको आप लोग कहेंगे पॉजिटिव सेंस नाउ एक बात याद रखिएगा कि पॉजिटिव और नेगेटिव सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेशन या फिर ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस में होते हैं मतलब कि जीन एक्सप्रेशन के वक्त आप सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव स्टैंड को डिस्कस करेंगे डी एन में देर इज नो पॉजिटिव देर इज नो नेगेटिव आसान जुबान में हम लोग पॉजिटिव सेंस को क्या कहते हैं कि दैट स्टैंड विच एक्चुअली इज रीडेबल इन साइड अ सेल्स प्रोटीन मशीनरी यानी कि एक ऐसी स्ट्रैंड जिसके जो के इस तरह की हो उसकी कॉम्प्लीमेंटेशन या फिर उसका सीक्वेंस उसका जेनेटिक सीक्वेंस इस तरह का हो जिसको आपके सेल के अंदर एंजाइम्स रीड करके प्रोटीन बना सके और वो स्ट्रैंड जो कि नॉन रीडेबल हो उसको आप लोग नेगेटिव सेंस कहते हैं

मन होंगे ठीक है अच्छा कुछ कुछ डिफरेंसेस को भी मैं पर डिस्कस कर रहा हूँ फॉर एग्जांपल एक वायरस है जो कि सेल की लैसिस कर रहा है ठीक है लेट्रॉन जाके हम लोग देखेंगे और कुछ सेल के अंदर ही रह रहे हैं फॉर एग्जाम्पल एच बी वी तो डिफरेंसिस भी हैं लेकिन अगर कोई फॉर एग्जाम्पल मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर माइक्रो लेवल पर जाकर इनकी कुछ डिफ्रेस हैं ऑन द बेसिस ऑफ इट्स पैथोजेसिस तो आई थिंक इट विल भी स्किपिप्ट इन दिस डिस्कशन ठीक है ओके सो ये बात करते हैं पैथोजेनिस ऑफ हेपेटाइटिस के बारे में सो एवरीथिंग स्टार्ट फ्राम द एंट्रेंस ऑफ दिस वायरस इन टू अवर बॉडी ठीक है सो ये अपने रिस्पेक्टिव पाथवे और रूट ऑफ एंट्री के थ्रू हमारी बॉडी में एंट्री करते हैं सम ऑफ देम आर एंटेरल, फॉर एग्जाम्पल एच ईवी एन एंड सम ऑफ देम आर एंडल फॉर एग्जाम्पल बी सी एंड डी ठीक है सो दे इवेट इन टू द बॉडी और ये इन्वेट करते हैं हमारी बॉडी को और डायरेक्ट इन कॉन्टैक्ट में आते हैं हमारे ब्लड के एंड वेन एवर एनी वायरस इज इन अवर ब्लड तो हम लोग उस कंडीशन को कहते हैं वाइरमिया और वायरस इन साइड ब्लड ठीक है सो थ्रो ब्लड एज वी नो के ब्लड इज अ ट्रांसपोर्टिंग मटीरियल इट ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम लंग्स टू द ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी सो ब्लड इज ऑल्सो गुड वहीकल फॉर ऑल ऑफ द पैथोजनिस मतलब कि मोस्टली जो पैथोजनिस होते हैं वो बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ब्लड के थ्रू ट्रेवल करते हैं सो दे इवेट फ्राम द साइड ऑफ दर एंट्री

राइट right? मतलब के दे विल एंटर इन टू द सेल ठीक है और कैरी ऑन दरअ लाइफ साइकिल अकॉर्डिंग टू द जीनोम बिकॉज एज वी नो के ऑन द बेसिस ऑफ जीनोम पिछली वीडियो में हम लोगों ने दो लाइफ साइकिल डिस्कस की थी एक थी पॉजिटिव सेंस सिंगल स्टैंड आरएनए वाले वायरसेस की लाइफ साइकिल और एक थी डीएनए वायरस की लाइफ साइकिल नाउ यहां पर हम लोग उस लाइफ साइकिल को डिस्कस नहीं करेंगे बिकॉज वी हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू दैट वीडियो और हम सबको पता है कि हाउ डज दे ऑल कैरी आउट द लाइफ साइकिल इन साइड ठीक है सो दे हैव कैरी ऑन द लाइफ साइकिल एंड एज वी नो के उसकी लाइफ साइकिल के नतीजे में वो अपने जैसे मजीद वायरसेस जनरेट करते हैं ठीक है थीके? अच्छा नाउ इस पॉइंट के ऊपर जब वो अपनी लाइफ साइकिल कैरी ऑन करेंगे बिकॉज हमें पता है कि ऑन द बेसिस ऑफ देयर जिनोम उनकी लाइफ साइकिल डिफरेंट है राइट right? सो so, इस पॉइंट के ऊपर इस पैथोजेनेसिस में एक ट्विस्ट आता है Now, यहाँ पर दो डिवीजन बन जाती हैं एक एच बी वी सी वी और डीवी केस में मतलब के ऑल ऑफ द वायरस नॉट कंटेन एनवे अच्छा सो फर्ट ऑफ ऑल जिनके बाद एनवेप नहीं होता है उनकी वायरस या उनकी जो पैथोजे पाथवे उसका तरीकेकार क्या है सो फॉर एग्जाम्पल देव केरी ऑन ऑल ऑफ दाइफ साइकिल इन साइड और उसके बाद हमें पता है कि दॉज सेल लाइसिस अच्छा ये, किस केस की बात है ये एच ए वी और एच ई वी के बाद बिकॉज दे के Not तो वो क्या करेंगे वो सेल करेंगे मतलब कि उनको अगर सेल से बाहर निकलना है तो so वो सेल से बाहर निकल जाएंगे और हमें पता है कि वेन एवर इन अवर बॉडी एनी सेल विच लाइस जब भी कोई सेल लाइस होता है या फिर उसकी लाइसिस होती है सो दे रिलीज समाइन और सम सेक्रिटरी सबस्टांसिस फॉर एग्जाम्पल फॉर एक्साम्पल साइटोकाइन इंटरल्यूक्स ट्यूमर निक्रोटिंग फैक्टर्स असल में इन रिलीजन का जो मेन मकसद है वो ये है कि इम्यून सिस्टम को आगाह किया जाए कि आया तो वह सेल डेड हो गया या तो यहाँ पर कुछ गड़बड़ है ठीक है सो सेल लाइसिस हुआ बिकॉज ऑफ दिस हेपाटाइटिस इंड्यूस एपक्टोसिस ठीक है एंड वेन सेल गेट्स लाए सो इट रिलीज सम्स सैटोकैन एंड इंटेल्यूकेंस एंट्यूमिक्रोटिंग एल्फा ठीक है एंड वी ऑल नो ऑल ऑफ द सबस्टांसिज आर इम्यूनो अट्रैक्टेंट्स मतलब कि दे कैन अट्रैक्ट इम्यून सिस्टम और इम्यून सेल्स ठीक है सो so जब ये रिलीज हुए सो दीज इंटेल्यूकेंट्स एंड ट्यूमर डिक्रोटिंग फैक्टर्स विल अट्रैक्ट ओदर इम्यून सेल्स टू लिवर एंड आल्सो इंड्यूसज इन्फ्लमेशन बिकॉज एज वी नो के हेपाटाइटिस और लिवर की इन्फ्लेमेशन तो होता ही कुछ यू है कि जब कोई सेल लाइस होता है तो वो रिलीज करता है ये तमाम मतलब कि जिस अपोजिशन के ऊपर रिलीज होते हैं ये तमाम चीजें वहां पर बड़ी तादाद में एक और चीज रिलीज होती है जिसको आप लोग कहते हैं जिसको आप लो कहते हैं हिस्टामिन नाउ दिस हिस्टामिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्फ्लेमेशन और इसी इन्फ्लेमेशन की वजह से इसको हेपेटाइटिस कहा जाता है अच्छा हुआ क्या वो ये कि सेल की लाइसिस हुई और उस सेल लाइसिस के नतीजे में इसने कुछ चीजें रिलीज की और इस रिलीजन की वजह से बहुत बहुत सारे इम्यून सेल्स और इन्फ्लेमेशन आपके लिवर के अंदर आ गई मतलब पहले तो आपके लिवर के अंदर हुई इन्फ्लेमेशन ताकि जो बड़े बड़े इम्यून सेल्स हैं वो आपके लिवर के टिश्यू के अंदर आ सकें और बहुत सारे इम्यून सेल्स आपके लिवर के अंदर रश्ट हुए मतलब आपके लिवर की तरफ भागे भागे चले आए टू सॉर्ट आउट द प्रॉब्लम ऑन द अट्रैक्शन और ऑन द सिग्नल ऑफ़ दिस इम्यून अट्रैक्टर्स और साइटोकैंस इंटरल्यूकिन और ट्यूमर निक्रोटिंग फैक्टर्स ठीक है अच्छा जो ट्यूमर निक्रोटिंग फैक्टर्स एंड इंटरल्यूकिन यहाँ पर मेजरली आपको मिलेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरल्यूकिन वन एंड इंटरल्यूकिन सिक्स ठीक है और ट्यूमर निक्रोटिंग फैक्टर एल्फा अच्छा सो हुआ क्या हुआ यह कि इस सेल की लाइसिस की वजह से उस लेवल के अंदर एक तो इन्फ्लेमेशन हुई और बहुत बहुत सारे इम्यून सेल्स आ गए अच्छा एक और बात अगर आपको पता हो कि वेन एवर अ वायरस और अपैथोजन इन्फेक्ट सेल तो जो हमारी बॉडी के जितने भी न्यूक्टेड सेल्स हैं ना वो अपने सरफेस एंटीजन कुछ इस तरह से चेंज करते हैं ताकि इर्द गिर्द के जो सेल हैं खासतौर तो पर जो इम्यून सेल्स हैं उनको सिग्नल मिल जाते हैं कि इन सेल में कुछ गड़बड़ है तो जब वो इम्यून सेल्स सेल जिनमेंटॉक्सिक सेल्स माइक्रोफेजेज मोनोसाइड्स नो की सेल्स टी सेल वो सब वो जब लिवर के अंदर आएंगे तो वो उन तमाम सेल को डिटेक्ट करेंगे जिनके अंदर इन्फेक्शन होगा और वो उन तमाम सेल को डैमेज कर देंगे मतलब उन तमाम सेल की लाइसिस करेंगे उनको एपोटोसिस करेंगे उनको फेगोसाइटोस कर लेंगे सो व्हाट हैपेंड हुआ ये कि उस एक सेल या फिर उस मल्टीपल यानी फॉर एग्जांपल लाजमी नहीं कि एक ही सेल हो मोर देन वन भी हो सकते हैं मतलब कि कुछ सेल क्लासेस की वजह से बिकॉज ऑफ इन्फेक्शन ऑलरेडी हुआ हुआ था मतलब कि ऑलरेडी उस तमाम जो हेपेटोसाइट्स के जो एंटीजनस थे बिकॉज ऑफ़ इन्फेक्शन मतलब एक नॉर्मल है कि वेन एनी वायरस और एनी प्रजन इन्फेक्ट यानी जब भी कोई गड़बड़ होती है तो जो uh, आपके सेल्स होते हैं ठीक है आपकी बॉडी के वो अपने सरफेस एंटीजन मतलब खास तौर पे एम आगे जाके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे एम एच सी मेजर हिस्टो कम्पेटिव क्लास वन के जो एंटीजन होते हैं वो कुछ इस तरह से अपने आप को चेंज करते हैं कि दे आर डिटेक्टेबल टू इम्यून सेल एंड इम्यून सेल कैन डू समथिंग यानी कैन डू सम एक्शंस और इम्यून सेल का एक्शन क्या होगा एक्जैक्टली किलिंग ऑफ सेल्स ठीक है तो वो उन तमाम सेल को किल कर देंगे और वहां पर जो सिस्टम हुआ उससे ओवरऑल हमारे लिवर को डैमेज हुआ बिकॉज वायरस ने तो सिर्फ और सिर्फ हमारे सेल के अंदर ग्रो किया ना लेकिन उस ग्रो करने के नतीजे में उसने जो इन्फ्लेमेशन और इम्यून सिस्टम को अट्रैक्ट किया टूवर्ड्स लिवर उसकी वजह से हमारे बहुत बहुत सारे लिवर सेल्स या इन शॉर्ट लिवर डैमेज हुआ अच्छा एक और बात देर अ क्वेश्चन क्या वायरस के आपके सेल के अंदर ग्रो करने से मतलब अपनी लाइफ साइकिल अपने सेल के अंदर कैरी ऑन करने से और अपने जैसे मजदीद वायरस बनाने से क्या मैं इसी वजह से आपके बॉडी के अंदर इतने सारे कॉम्प्लिकेशन जनरेट होती हैं द आंसर इज़ नो मतलब कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितनी भी कॉम्प्लिकेशंस इन हेपेटाइटिस या इन एनी अदर इन्फेक्शन आपकी बॉडी में होती हैं इट्स ऑल बिकॉज सेल्फ मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स मतलब आपकी बॉडी के अपनी ही इम्यून सिस्टम बिकॉज ऑफ सम करेक्टरिस्टिक्स ऑफ योर इन्फेक्टेड सेल्स तमाम के तमाम इन्फेक्टेड सेल्स चूंकि हेल्थी भी हों मतलब वो आपकी बॉडी के नॉर्मल फंक्शन भी परफॉर्म कर रहे हो लेकिन अगर वो इन्फेक्टेड हैं मतलब उनके सरफेस एंटीजन चेंज हैं तो वो आपका सेल्फ इम्यून सस्टमें आपका अपना इम्यून सिस्टम उन तमाम सेल को डैमेज कर देगा उन शॉर्ट आपका लिवर डैमेज हो रहा है इन दिस केस में तो यह तो था एक केस के अंदर कि अगर उस सेल की लैसिस हो वा एच ए वी और एच ई वी चूंकि उनका फीचर है बिकॉज देट डज नॉट कंटेन एंडवेल्प वो सेल की लैसिस करेंगे और सेल की लैस में हमने देखा कि किस तरह से कितम की तमाम डिस्ट्रक्शन हुई ऑफ अवर ऑन ऑर्गन ठीक है सो so, अब आइए दूसरे पाथवे के ऊपर बात करते हैं कि हाउ डज एच बी वी एच सी वी एन एच डी वी और इन शॉर्ट एनवेलप्ड कंटेनिंग वायरस एक्चुअली अ कॉज डैमेज इन अवर लिवर सो इन केस ऑफ एच बी वी एच सी वी एन एच डी वी बिकॉज एज वी नो के द ऑल कंटेन एनवेलप ये जब सेल से बाहर निकलेंगे और सेल के अंदर जाएंगे ये सेल की लाइसिस नहीं करेंगे बिकॉज दे कॉन्टेंट एनवेलप और हमें पता है कि वो क्यों नहीं कर पाते ठीक है अच्छा बट क्वेश्चन अराइज कि अगर वो सेल की लाइसिस नहीं करते हैं तो हमारी जो बॉडी के अंदर या इन शॉर्ट हमारे लिवर के अंदर जो इतना डैमेज होता है इतना नुकसान होता है वो क्यों होता है असल में मैंने बताया कि वेन एवर यूर बॉडी सेल डैमेजेज़ और उसको कोई इशू होता है कोई प्रॉब्लम होती है कोई उसका सिस्टम डी हो जाता है डिसरेगुलेट हो जाता है कोई न्यूट्रिशन uh, के इशू होते हैं तो वो हमेशा से uh, दूसरे सेल्स को सिग्नल देने का काम करते हैं ताकि दूसरे बच सकें राइट तो उस केस में वो एक काम ये करते हैं कि फॉर एग्जाम्पल ख़ासतौर पे तब जब उनको वायरल इन्फेक्शन हो या उनकी सेल मेम्ब्रेन के अंदर कोई इस तरह का सब्सटेंस uh, एंटर होता है जो कि फ़ौरन होता है तो वो क्या करते हैं कि उस सबस्टांस के कुछ एंटीजन कुछ पोर्शन अपने आ, सेल के ऊपर यानी अपनी सेल सरफेस के ऊपर एक खास तरह के एंटीजन जिसको आप लोग एम यानी मेजर हिस्टो कॉम्पेटिबिलिटी क्लास वन के एंटीजन कहते हैं उनके ऊपर उन एंटीजन उसे यह होता है कि वेन अवर दूसरे बॉडी के सेल उस एंटीजन के जिसके ऊपर वो फॉरन एंटीजन अटैच है उसके साथ कॉन्टैक्ट में आता है तो उनको सिग्नल मिलता है कि यार देर इज़ समथिंग रॉन्ग देर इज़ समथिंग फॉरन इन अवर बॉडी और इन अवर टिशू और वो दूसरे जो बॉडी के सेल्स हैं वो उसके खिलाफ कोई एक्शन करते हैं या फिर उससे बचने की कोशिश करते हैं ठीक है अच्छा सो so, इसी तरह से वेन एवर ऑल ऑफ दिस वायरस इज इफेक्ट यू तो एज वी नो के दट डज नॉट कॉज लाइसिस ऑफ सेल सो जिन सेल में ये ग्रो करते हैं वो सेल ये करते हैं कि अपने एम या फिर मेजर हिस्टोकॉम्पेटिबिलिटी क्लास वन एंटीजन के ऊपर उन वायरेसेज के कुछ एंटीजन लगा लेते हैं ठीक है सो so, वो हुआ कुछ यूँ है कि हिपेटोसाइड जो हैं वो डैमेज हैं या फिर वो इन्फेक्टेड हैं और दे आर इन्फेक्टेड बाई एच बी वी एच सी वी एन एच डी वी विच डज नॉट कॉज सेल लाइसिस और उसके नतीजे में सिर्फ और सिर्फ जो हिपेटोसाइट्स हैं उन्होंने अपने एम एच सी वन जो एंटीजन है उनके ऊपर वो फॉरन एंटीजन लगाए हुए सो तो जब उनके आस पास या उनके प्रिमिसेस से लिवर के फेगोसाइट्स गो थ्रू करेंगे बिकॉज एज वी नो के जो इम्यून सेल्स हैं उनका एक और फंक्शन ये भी है कि वो हमेशा से आपकी पूरी बॉडी के अंदर गश्त करते रहते हैं जहाँ कहीं भी इशू होता है वो उसको रिजॉल्व कर देते हैं सो उस तरह से जो आपके लिवर के अंदर है वहाँ पर भी ज़्यादा या फिर बड़ी तादाद में साइटोटॉक्सिक टी सेल्स प्रेजेंट है ठीक है जो कि आपकी लिवर के अंदर एज वी नो लिवर इज आल्सो इम्यून हब ना इट इज ऑल्सो लिम्फ नोड ठीक है मतलब कि जितना भी आपकी बॉडी का ड्रेनेज है वो आपका मोस्टली आपके लिवर में आता है सो so, लिवर आल्सो कंटेन अ लॉट ऑफ साइटोटॉक्सिक टी सेल और एंड सैटोटॉक्सिक टी सेल की जो सरफेस है मतलब उनके सेल मेम्ब्रेन के ऊपर भी एक खास किस्म के एंटीजन लगा होता है जिसको आप लोग कहते हैं सी डी एट एंटीजन वो एंटीजन इसी एम एच सी वन के साथ अटैच होता है अगर उस एमएचसी वन के ऊपर कोई फोरन एंटीजन अटैच है और जब अटैच होता है तो वो उस सेल्स की अपप्टोसिस और उसकी सेल लाइसिस कर देता है किस तरह से वैन इट डिटेक्ट दिस वायरल एंटीजन इन ऑन द एमएचसी एंड इट विल रिलीज सम सेक्रेटरी सब्सटांस फॉर एग्जाम्पल ग्रेन जयम्प एंड अपर नाउ ये जो ग्रेन जाइम्स एंड अपर ये क्या करते हैं अपर नाम से जाहिर है इट कॉज परफोरेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर सेल मेम्ब्रेन में मतलब कि ये जो अपरफोरिन है ये उस हिपेटोसाइड की सेल मेम्ब्रेन में पोर्स कर देगा और ये जो ग्रेन जैम है ये उसी पोर्स की मदद से उसी पोर्स के जरिए से उसपेडो साइड में एंटर करेंगे और वहां जाकर ये जो ग्रेन जैम्स हैं दे कॉज सेल डिस्ट्रक्शन बाय एपोप्टोसिस मतलब कि जो ग्रेन जैम्स हैं ये इंड्यूस करते हैं एपोप्टोसिस इन दिस इन्फेक्टेड सेल्स जिसकी एमएचसी के ऊपर वो वायरल एंटीजन प्रेजेंट होते हैं तो इन शॉर्ट हुआ क्या यहाँ पर भी आपके अपने इम्यून सिस्टम ने आपके अपने इम्यून सेल्स ने आपकी सेल्फ मेडिगेटेड इम्यून रिस्पॉन्स की वजह से आपका जो लिवर है वो डैमेज हुआ बिकॉज एज वी नो के ऑल ऑफ दिस वायरसेज हैव हाई इंक्यूबेशन पीरियड ना यानी इनके इंक्यूबेशन पीरियड ज़्यादा होते हैं मतलब जब आपकी बॉडी में सिम्टम्स अपेयर होते हैं तब तक आपके बहुत बहुत सारे पेटोसाइड इन्फेक्ट हो जाते हैं और एज वी नो कि जब एक सेल लाइस होगा वाई दिस प्रोसेस तो वो क्या रिलीज करेगा एग्जैक्टली दे विल आल्सो रिलीज ट्यूमर एग्रोटिंग फैक्टर्स इंट्र्यूकेंस एंड असाटोकैंड जो कि जाके अदर इम्यून सेल्स को अट्रैक्ट करेंगे एंड दे आल्सो कॉज इन्फ्लेमेशन मतलब कि के इस केस में भी आपकी इन्फ्लेमेशन होगी और आपके अदर जो इम्यून सेल्स हो गए वो भी आपके लिवर के अंदर भागे भागे आएंगे और जब वो आएंगे तो एज वी नो के ऑलरेडी वहाँ पर इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा अमाउंट में हो चुका है यानी कि बहुत बहुत सारे हेपेटोसाइट्स के सरफेस एंटीजन मतलब एमएचसी वन भी के ऊपर भी वो वायरस एंटीजन लगे हुए मतलब कि ऑल ऑफ द हेपेटोसाइट्स आर इन्फेक्टेड विच विल बी डिटेक्टेड बाय द कमिंग इम्यून सेल्स और वो उनके खिलाफ एक्शन करेंगे और उनको किल करने की कोशिश करेंगे यानी कि इन शॉर्ट यहाँ पर भी आपकी सेल्फ मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स की वजह से आपके लिवर का डैमेज हुआ सो नाउ वट हैपन आफ्टर दिस लिवर डैमेज हमने देखा कि दोनों पाथवे मतलब एच ए वी एंड ई वी एंड एच बी वी सी वी डी वी के पाथवे में भी आपका लिवर डैमेज हुआ सो लिवर डैमेज मतलब आपके लिवर की सेल्स की डिस्ट्रक्शन की वजह से होगा क्या so, सो सोई उसके ऊपर बात करते हैं सो एज वी नी 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 नो के क्रॉनिकपेटाइटिस जो आपका इन्फेक्शन होता है वो बहुत ही प्रोलॉन्ग होता है और बहुत लंबा चलता है सो so, इफेक्शन के लंबे चलने की वजह से ज़्यादा से ज़्यादा हेपेटोसाइट्स इन्फेक्ट होते हैं मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा हेपेटोसाइट्स के जो एंटीजन हैं वो चेंज हो जाते हैं मतलब कि बिकॉज ऑफ हेपेटाइटिस इन एच बी वी एन एच सी वी बिकॉज एज वी नो के दे आर द मोस्ट कॉमन रीजनस ऑफ हेपेटाइटिस अ लॉट ऑफ सेल्स विल बी डैमेड एंड लास्ट ठीक है और जब बहुत ज़्यादा सेल्स जो है वो लास्ट होते हैं तो एज वी नो के वेन एवर सेल लाइस या फिर आपकी सेल की इंजरी होती है वाया निक्रोसिस और एपोप्टोसिस तो उसके ऊपर बन जाता है स्कार और अ डेड टिशू बिकॉज आपको पता है कि आपको जब कभी आपको जख्म हुआ होगा या आपको चोट लगी होगी तो उसके ऊपर एक यू नो ब्राउन कलर सा एक डेड कवरिंग क्रिएट हो जाती है ठीक है सो दैट पर्टिकुलर ब्राउन टिशू इज़ नॉन एज स्कार सो so, इसी तरह से आपके लिवर के अंदर भी वो स्कार बनने लगता है बिकॉज आपके बहुत बहुत सारे सेल्स जो है वो डैमेज हो रहे हैं एज यू नो ना सो डैमेज और डेड सेल अंडर गो द प्रोसेस ऑफ फाइब्रोसिस अच्छा स्कार बनने का जो अमल है उसको आप लोग कहते हैं फाइब्रोसिस यानी होता है कि बहुत सारे प्रोटीन्स यानी फाइब्रिन एक्टिन प्रोटीन्स जो कि आपके ब्लड में प्रेजेंट होते हैं इसके अलावा जो आपके प्लेटलेट्स हैं वो उस डैमेज एरिया को कवर करते हैं और उसके ऊपर एक डेड सी कवरिंग कर देते हैं जिसको आप लोग स्कार कहते हैं और इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं कि वो फाइब्रोसिस का अमल हुआ है ठीक है अच्छा सो हुआ क्या इफ़ दिस स्कार इस प्रोलोंग्ड मतलब अगर ये स्कार लंबा चले क्योंकि अगर ये इन्फेक्शन लंबा है तो बहुत बहुत सारे सेल्स भी मजीद होते जाएंगे इन्फेक्ट और अगर मजीद इन्फेक्ट होंगे तो मजीद किल होंगे और अगर किल होंगे तो वहाँ पर स्कार बनेगा मतलब कि अगर स्कार का प्रोसेस जितना लंबा होगा और जितना परसिस्टेंट होगा सो इट विल रिजल्ट इन लार्ज एरिया ऑफ फाइब्रोसिस इन द लिवर एंड रिजल्ट इन द रिस्ट्रिक्शन ऑफ ब्लड फ्लो यानी कि हुआ ये कि आपका जो फाइब्रोसिस था वो तो था ही लेकिन साथ साथ आपको जो इन्फेक्शन था वो भी चल रहा था मतलब कि मज़ीद जो हेपेटोसाइट्स जो कि हेल्थी थे वो भी इन्फेक्ट हो रहे थे मतलब कि मजीद जो इम्यून सेल हैं वो आपके मजीद हेपेटोसाइट्स को डैमेज कर रहे थे मतलब कि आपके जो लिवर में स्कार बनने का जो अमल था उसका रेट बढ़ रहा था और स्कार जो अमाउंट था यानी जो फाइब्रोसिस की अमाउंट थी यानी जो डेड टिश्यू की अमाउंट थी वो भी इंक्रीज़ होती जा रही थी मतलब कि जितना ज़्यादा आपका इफेक्शन प्रोलॉग करेगा उतनी ज़्यादा आपके लिवर के अंदर स्कार फॉर्मेशन या फिर फाइब्रोसिस का अमल होगा और जितना ज़्यादा फाइब्रोसिस होगा तो फाइब्रोसिस की मदद मतलब से आपका जो लिवर है उसके अंदर का जो ब्लड फ्लो होगा वो रुकेगा बिकॉज तो आपको पता है कि जो आपके स्कार है वो डेड टिशू है और वो थोड़ा सा हार्ड होता है तो उस उसकी हार्डनेस की वजह से जो आपकी ब्लड वेजेस होती हैं वो थोड़ी सी श्रिंक कर जाती हैं और उस श्रिंकिंग की वजह से आपका जो लिवर के अंदर ब्लड का आना है वो थोड़ा सा कम हो जाता है तो इससे हुआ क्या बिकॉज ऑफ ब्लड फ्लो रिस्ट्रिक्शन इन लिवर लिवर ग्रोथ इनहिबिट्स एंड इट रिजल्ट्स इन लिवर साइज डिक्रीमेंट एंड फाइनली इट्स लीड्स टू सिरोसिस मतलब हुआ ये कि फाइब्रोसिस या फिर आपकी स्कार बनने की वजह से आपका जो लिवर है उसके अंदर जो ब्लड का आना था वो थोड़ा सा कम हो गया और उस ब्लड के आने की कम होने की वजह से आपके लिवर के अंदर जो ऑक्सीजन न्यूट्रिशन सॉल्ट का जो आना है वो भी कम हो जाता है सो तो उसकी वजह से आपकी जो लिवर है उसकी ग्रोथ मुतासर होती है ठीक है एक तो ग्रोथ कम हो गई प्लस साथ साथ जो इन्फेक्शन है वो भी गोइंग मतलब ऑन है मतलब कि मज़ीद आपके पेटोसाइड जो हैं वो डैमेज हो रहे हैं मजीद आपके यू नो जो इम्यून सेल्स हैं वो आपके इन्फेक्टेड सेल्स को ईड कर रहे हैं मजीद आपकी फाइब्रोसिस भी इंक्रीज हो रही है यानी एक पॉइंट ऐसा आता है कि जिस पॉइंट के ऊपर आपके लिवर का नाइन्टी रीजन यानी आपका नाइन्टी परसेंट स्कार बन जाता है यानी शोट डेड हो जाता है उस कंडीशन को आप लोग कहते हैं सिरोसिस और 95 परसेंट सिरोसिस जो है वो लिवर फेलियर कोस करता है मतलब कि जब आपको सिरोसिस हो गया तो 95 परसेंट चांसेस हैं कि उसके बाद आपका जो लिवर है वो फेल हो जाएगा और आपको उस पॉइंट के ऊपर लिवर ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ेगी वरना आपके बचने का कोई चांस नहीं डेट होता है विद इन मंथ्स आपकी डेथ हो जाएगी बिकॉज एज यू नो कि लिवर इज वन ऑफ द वाइटल ऑर्गन और बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करता है सो दिस वॉज द एंड रिजल्ट के हाउ डज दिस वायरस जो कि आपकी सिर्फ सेल लाइसिस करते हैं एक सेल की और एक सेल की लाइसिस सेल्फ मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स की मदद से पूरे की पूरे लिवर की डैमेज का बायस बनती है एक तो ये रिजल्ट है कि जो वायरस हैं वो आपके लिवर के अंदर ये सिरोसिस कॉस करते हैं दूसरा है वो है कार्सिनोमा कैंसर कॉज करते हैं नाउ उसका क्या सीन है उसकी क्या है उसके क्या स्टेप्स हैं आइए बात करते हैं ओके सो आइए बात करते हैं कि हाउ डज दिस हेपेटाइटिस रिजल्ट्स इन द लिवर कैंसर और वी आल्सो सेड दैट हिपैटो सेल्यूलर कार्सिनोमा और हिपैटो सेल्यूलर कार्सिनोमा और इन शॉर्ट लिवर कैंसर ओके यानी एच बीवी और एच के किए इन्फेक्शन के केस में आपको चांसेस होते हैं कि आपके लिवर के अंदर कैंसर कॉज हो सके अच्छा अब यह सवाल कि हाउ डज दिस टू वायरसेस एक्चुअली कार्सिनोमा और शॉर्ट कैंसर अच्छा इस टॉपिक के ऊपर रिसर्च की गई कि हाउ डज दिस वायरसेस रिजल्ट इन हिपेटोसेल्यूलर कार्सिनोमा और इन शॉर्ट कैंसर सो so, उस रिसर्च के नतीजे में कुछ हमें पता लगा कि यार ये रीजन है जिसकी वजह से ये कैंसर हो जाता है एच के वी के केस में एज वी नो अगर आपने इसकी लाइफ साइकिल पढ़ी हो तो उसमें आपको ये पता होगा इस वॉच द प्रीवियस वीडियो कि इसकी लाइफ साइकिल में एक ऐसा फेज आता है जिसके ऊपर वहां पर सी 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 डी एन ए बन जाता है और इन शॉर्ट कोविलेंटली कंबाइंड सर्कुलर डी एन ए बन जाता है और इन शॉर्ट आप इसको प्रो फेज भी कह सकते हैं एज फार एज लाइसोजेनिक साइकिल इज कंसर्न प्रो फेज तो ये जो डी एन ए है ये हमारे जिनोम में आ जाता है यानी हमारे जिनोम के साथ मिल जाता है साइलेंट तो होता है मतलब कि होता ही है कि ये जो सीसी डीएनए बनने का अमल होता है इसके बाद दो फेज होते हैं अगर आपने लाइफ साइकिल देखी हो पिछली वीडियो में एक फेज में ये DNA अपने आप को ट्रांसक्रिप्ट करवाएगा और एक फेज में ये साइलेंट होकर हमारे जिनो के साथ मिलेगा और हमारे जिनोम में जो आपके रेप्लीकेटिंग जीन्स होंगे रेप्लीकेटिंग जीन उनको ये हाइपर एक्टिव कर देगा मतलब कि जिस सेल में यानी आपके लिवर के जिस सेल में यह सीसी डीएनए आपके जिनो के साथ मिला वो वाला सेल तेज़ी से ग्रो करने लगेगा बहुत बहुत तेज़ से ग्रो करने लगेगा यानी उसकी जो रेप्लिकेशन मशीनरी है वो मजीद ज़्यादा उसका जो रेट ऑफ़ यूज़ है रेट ऑफ यूज़ रेट ऑफ यूज़ मतलब के इस्तेमाल होने का रेट वो इंक्रीज़ कर जाएगा और आपको पता है कि कोई भी चीज़ जितनी ज़्यादा इस्तेमाल होती है उसमें मिस्टेक्स के चांसेस उतने ज़्यादा होते हैं किसके मिस्टेक्स के जिनोमिक मिस्टेक्स का दूसरा नाम है म्यूटेशन सोस म्यूटेशन के नतीजे में रिजल्ट होता है कैंसर एच के केस में एक प्रूफ ये मिला बिकॉज सी 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 डी एन ए आपके अपने सेल के अजिन के साथ इनग्रोप करके उसके रेप्रिकेटिंग जिनको हाइपर एक्टिव करता है जिसकी वजह से आपके जो सेल्स हैं वो फास्टली ग्रो करने लगते हैं मतलब कि आपके यू you नो know, uh, रेप्लिकेटिंग मशीनरी को हाइपर यूज़ की वजह से उसमें मिस्टेक का चांस बढ़ जाता है इन शॉर्ट म्यूटेशन का चांस बढ़ जाता है और आपको पता है कि म्यूटेशन कैन ईजिली रिजल्ट इन द कैंसर हैपनिंग अच्छा ये तो था एच बी वी के केस में कि एच बी वी इस तरह से आपको कैंसर कॉज कर सकता है एच सी वी के केस में ये चीज़ टोटली डिपेंड करती है ऑन द इन्फ्लेमेशन एक और बात इन्फ्लेमेशन कैन आल्सो कॉज यू कैंसर बिकॉज वट इज बेसिकली कैंसर कैंसर क्या होता है कैंसर क्या होता है कैंसर एज वी नो के ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब कि एक न्यूक्लियस है और उसके इट गेट एक न्यूक्लियर एनवेलप है और बाहर में एक सेल में और उस सेल में अंदर आपके डिफरेंट किस्म के ऑर्गेनिज हैं और ये सेल है इस न्यूक्लियस के अंदर आपका जेनेटिक मटीरियल होता है जेनेटिक मटीरियल और एज वी नो की जो जेनेटिक मटीरियल है इट इज हाईली डिपेंडेंट ऑन एन्वायरमेंटल फैक्टर्स एक्स्ट्रा एंड इंट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट बहुत और जब भी उस एक्स्ट्रा और इंट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट में चेंज आता है तो उसका डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है आपके जीनोम के ऊपर और आपका जीनोम उस उस एनवायरमेंट के मुताबिक अपने आप को ढालने की कोशिश करता है और उस ढालने की केस में कभी कभार हो जाती है म्यूटेशन और उस म्यूटेशन की एज वी नो के म्यूटेशन के नाट सो इजीली रिजल्ट इन द कैंसर अच्छा समटाइम्स म्यूटेशन से होता ये है कि अच्छा आपके सेल में लिविंग ऑर्गेनिज्म में मोस्टली जब कभी भी म्यूटेशन होती हैं या इन शॉर्ट आपकी जीनोमिक्स डिस्टर्ब होती हैं तो उसका एक आसान रास्ता यह है कि वो जो जीनोम है वो अपनी रेप्लिकेटिंग जीन्स को हाइपर एक्टिव कर देता है और मैंने आपको बताया कि जब आपकी रिप्लीकेटिंग जीन्स हाइपर एक्टिव होती हैं तो मिस्टेक्स का चांस एक्जैक्टली बढ़ जाता है यानी म्यूटेशन का चांस बढ़ता है और म्यूटेशन की वजह से आपको पता है कि कैंसर तो exactly हो जाता है सो इन्फ्लेमेशन इज वट इज चेंज इन इन्वायरमेंट और इन्वायरमेंट में चेंज हुआ उसके मुताबिक जेनेटिक मटेरियल अपने आप को उसके मुताबिक ढालने की कोशिश करेगा एंड इट रिजल्ट्स इन कैंसर ठीक है सो दिस वाज द टू रीजंस ठीक है जो कि आज तक रिसर्च में अब पता लगे हैं और भी होंगे आई हैव नॉट डिस्कस दैट इन दिस वीडियो ठीक है यानी सी सी की फॉर्मेशन इन एच और इन्फ्लेमेशन इन बोथ कैन आल्सो रिजल्ट इन सेलुलर कार्सिनोम इस वीडियो में हम लोग खास तौर पे डिस्कस कर रहे हैं सिम्टम को सो so बगैर किसी देर के आई बात को स्टार्ट करते हैं सो बेसिकली एज फार एज द सिम्टम्स इज कंसर्न इन हेपेटाइटिस वी आर डिवाइडिंग दिस डिजीज इंटू थ्री डिफरेंट फेजेज यानी कि इस बीमारी की जो प्रोग्रेस होगी जो हेपेटाइटिस की प्रोग्रेस होगी आपकी बॉडी के अंदर इट इज डिवाइडेड इंटू थ्री फेज़ फर्स्ट फेज इज नॉन एज प्रोडॉर्मल फेज ठीक है देन वी गॉट एक्टेरिक फेज एंड फिर हमारे पास आते हैं कन्वलसेंट फेज विच द लास्ट फेज तो ये हमारे पास तीन फेज अप्रोडॉर्मल एक्टेरिक एंड ठीक है सो आइए वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि ये जो फेजेस हैं इनमें क्या, क्या क्या आपकी बॉडी में अपेयरेंस आती है अच्छा एक और बात व्हाट डू यू मीन बाय दिस फेजेस मतलब कि ये जो बीमारी है आपकी बॉडी के अंदर जिस पॉइंट पे ये स्टार्ट होगी मतलब जिस पॉइंट पे आपको ये ऑब्जर्व होना शुरू होगा कि आपकी बॉडी में ये ये खराबियां हैं सो so, ये जो खराबियां हैं ये कुछ इस तरतीब से होंगी ठीक है सो एट फर्स्ट वी गॉट वट वी गॉट प्रोडॉर्मल फेज ठीक है सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट इस डिस्कस द प्रोडॉर्मल डॉर्मल फेज सो दिस फेज इज करेक्टराइज एज फीवर मलेशिया नोजिया एंड वॉमिटिंग डायरिया डिहाइड्रेशन एंड इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस ठीक है वेट लॉस वगैरह एंड एनरोगी ठीक है अच्छा सो तो आइए शुरू से स्टार्ट करते हैं तो एज वी नो के हाउ डज हेपेटाइटिस अगर हेपेटाइटिस इस तरह से होता है कि जब कभी भी एक वायरस आपकी बॉडी में एंटर करता है और बॉडी में एंटर करने के साथ ही वो ब्लड का रास्ता अख्तियार करता है और आपके लिवर में आता है और वहाँ पर इन्फेक्शन कॉज करता है सो इफ आई आस्क के वट इज बेसिकली द ट्रिगर पॉइंट ऑफ हेपेटाइटिस मतलब वो क्या पॉइंट होता है जिसके बाद आपकी बॉडी में उस बीमारी के सिम्टम्स अपेयर होना शुरू होते हैं अगर आपने वो पिछली वीडियो देखी होगी पैथोजेनेसिस तो यू नो दैट के द द पॉइंट एट फर्स्ट हिपेटोसाइट इज लास्ट इन केस ऑफ एच ए वी एंड एच ई वी एंड द फर्स्ट हेपेटोसाइट विच इज डिटेक्टेड बाय योर ऑन इम्यून सेल्स इन केस ऑफ एच बी वी सी वी एंड डी वी ठीक है तो होता कुछ यूँ है कि जब वो आपके सेल लाइस करते हैं यानी जब आपके सेल लाइस करते हैं तो एज वी नो के वो डिफरेंट किस्म के सब्सटेंस आपकी बॉडी में रिलीज करते हैं और वो जो सेक्रेटरी सब्सटेंस होते हैं दे आर बेसिकली एज वी नो इम्यूनो अट्रेक्टेड बिकॉज वो जो सेक्रेटरी सब्सटेंस होते हैं उसका मतलब ये होता है कि आपके इम्यून सिस्टम को आगाह किया जाए कि उस पॉइंट के ऊपर कोई इशू है ठीक है so, सो एज वी नो के वो जो सेक्रेटरी सब्सटांस होते हैं उनमें जो मोस्ट कॉमन है वो है इन वन टूमर फैक्टर ठीक है अच्छा सोज वी नो के वेन दिस सिक्रिटी सबस्टांस बिकॉज ऑफ द लैसेज ऑफ गेट्स रिलीज इन टू ये आपके हाइपोथेलेमस में जाते हैं एंड एस वी नो के हाइपोथेलेमस इज वाट इज एक्चुअली द थर्मो ऑफ योर बॉडी मतलब कि ये हाइपोथैलेमस एक ग्लैंड का नाम है जो कि आपके ब्रेन में होता है ठीक है और ये आपकी बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करता है जब ये तमाम चीजें यहाँ पर जाएंगी आपके हाइपोथैलेमस के अंदर तो यहां पर ये इंड्यूस कराएंगी रिलीज ऑफ पायरोजन पायरोजन एक केमिकल है जो कि कॉज करता है पायरेक्सिया नाउ पायरेक्सिया इज द केमिकल और टेक्निकल नेम ऑफ फीवर यानी फीवर को मेडिकल जुबान में फायरेक्जिया कहते हैं अच्छा अभी क्यों होता है बेसिकली इसकी साइंस है वो ये है कि जब इस तरह से ये चीजें रिलीज होती हैं तो आपकी बॉडी अपना टेम्परेचर इंक्रीज कर देती है ताकि जो आपकी बॉडी के अंदर इफ अगर कोई इस तरह के पैथोजेंस हैं जो कि इस सेल के लाइसिस की वजह बन रहे हैं तो वो जो टेम्परेचर का इंक्रीज होना है वो उनको किल कर देगा सो हाउ डज पायरेक्जिया और फीवर अक्कर फीवर अक्कर बाय दिस प्रोसेस के जो जो ये सक्रेटरी सब्सटांस हैं ये ब्लड के थ्रू आपके हाइपोथैलेमस में जाते हैं द रिलीजन ऑफ पायरोजन और फिर वहां से वो बुखार को कॉज करते हैं फिर इन शॉर्ट पायरेक् कॉज कर देते हैं अच्छा जनरली पायरेक्सिया के साथ साथ आती है मलेशिया वट डू यू मीन बाई मलेशिया Malaysia means general discomfort. यानी जो आपको बुखार के दौरान एक नॉर्मल सी एक कंडीशन है कि आपकी बॉडी में बेचैनी से रहती so है सो बेसिकली दैट बेचैनी इज नॉन एज मलेरिया ठीक है यानी जनरल डिस्कम्फर्ट ठीक है सो इट वॉज फीवर एंड मलेरिया और हम लोगों ने डिस्कस किया कि वो किस तरह से होते हैं सो नो लेट नोजिया एंड वोमिटिंग उसका क्या सीन है सो बेसिकली एज वी नो के जब आपका जो लिवर है वो डैमेज होता है बिकॉज ऑफ हेपेटाइटिस तो वहां पर जो हैपैटो टॉक्सिन्स है बिकॉज एज वी नो के लिवर इज ऑल्सो अ पॉइंट ऑफ योर बॉडी जहां पर आपकी बॉडी के जो टॉक्सिन्स हैं वो न्यूट्रलाइज किए जाते हैं तो वहां पर बिकॉज ऑफ द हेपैटो लाइसिस ठीक है वहां पर

से लेकर आपकी लार्ज uh, इंटस्टाइन तक जो फूड मूव करता है फूड मतलब को नीचे लेके जाने के बजाय वापस ऊपर धकेलेगा और जब इस तरह से फूड वापस आपके मुंह से बाहर आएगा तो उसको हम लोग एसविनो के वॉमिटिंग कहते हैं सो देट कम्स दट पर्टिकुलर नोजिया एंड वॉमिटिंग के हाउ डज इट हैपेन्स और इट अकर्ज इंग टू बॉडी वो क्यों होते हैं बिकॉज ऑफ द लिवर डेमेज ठीक है अच्छा सो so, जब इस तरह से पेरिस्टालसिस डिस्टर्ब होती है बिकॉज ऑफ द डिस्टर्बेंस ऑफ पेरिस्टालसिस आपको डायरिया भी हो सकता है लेकिन ये बहुत ही रेयर कैसे ही, नहीं, बहुत ही रेयर पेशेंट में आपको हेपेटाइटिस uh, के अंदर डायरिया और वोमिटिंग एक साथ देखने को मिलती है बहुत रेयर है लेकिन हो सकता है इट्स अ पॉसिबिलिटी ठीक है देन वी गॉट सम डिहाइड्रेशन एंड इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस ठीक है और वेट लॉस एज वी नो कि अगर आपको वोमिटिंग हो रही है मतलब आप आप कुछ खा नहीं रहे ठीक से आपको डायरी लगा हुआ है सारा का सारा वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स लॉस हो रहे हैं सो so वहां से आपको होती है जनरल डिहाइड्रेशन और फिर इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस और वेट लॉस वगैरह ठीक है थीके? अच्छा एनोरॉक्सिया एनोरोक्सिया मीनस लॉस ऑफ एपेटाइट भूख का ना लगना बेसिकली भूख का ना लगना इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद दिस फीवर बुखार जब आपको होता है तो एज बी नो के आपको भूख नहीं लगती है वाई बिकॉज जब आपको बुखार होता है तो एज बी नो के आपके स्टमक के अंदर होते हैं एंजाइम्स एंजाइम्स क्या करते हैं एंजाइम्स काम करते हैं फूड को डाइजेस्ट करने का जब वहां पर आ, वो टेम्परेचर वेरी करता है तो उन एंजाइम का जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है वो भी डिस्टर्ब हो जाता है जब आपकी बॉडी के टेम्परेचर वहाँ से फ्लक्चुएट करता है तो वहाँ पर उसका असर आपके एग्जाम पर होता है अगर एंजाम काम नहीं करेंगे और आपको जो भूख की एक खास तरह की तलब होती है वो भी आपको फीलिंग होगी सो बेसिकली दैट इट विद द प्रोडॉर्मल फेज और यहाँ तक प्रोडॉर्मल फेज यहीं तक रहता है देन वी गॉट एक्टेरिक फेज एक्टेरिक फेज बेसिकली इज कम्स फ्रॉम द वर्ड एक्ट्रेस नाउ क्या होता है इसको थोड़ी देर बाद समझते हैं, so, जो एक्टरिक फेज है, uh, दो हैं लेकिन उनमें से के पर, uh, आपके सामने आ रहा है लेकिन एक्चुअल में खुद एक डिजीज है सो so, फेज में दो सिमटम्स है जॉन्डिस एंडली वॉट डू मीन बाय जॉन्डिस मीनस हाई लेवल ऑफ बोथ बहुत एंड अनकुकेट इन योर ब्लड बिकॉज ऑफ बाइल डक्ट्यूल्स एंड हेपेटोसाइटिक डैमेज अच्छा इस चीज को समझने से पहले हम लोग आपकी बॉडी में होने वाले

सैक्ट्स यानी फेगोसाइटिन को ईट अप कर लेते हैं इनको डीजनरेट कर लेते हैं अच्छा सो एज वी नो के आरबीसी के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है उसको आप लोग कहते हैं एचबी या फिर हीमोग्लोबिन हीम प्लस ग्लोबिन ठीक है अच्छा नाउ हीमोग्लोबिन इज कंपराइज्ड ऑफ टू स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स हीम एंड ग्लोबिन ग्लोबिन इज नथिंग बट प्रोटींस अच्छा सो so, जब ये आरबीसी ब्रेक होते हैं तो उनमें से जो हीमोग्लोबिन है उसको निकाल दिया जाता है और इसको फर्दर डिसेंडिग्रेट किया जाता है अच्छा हीमोग्लोबिन इज फर्स्ट ब्रेक डाउन इंटू हीम एंड ग्लोबिन ग्लोबिन इज फर्दर डम्पोज इंटू अमाइनो एसिड और वो जो अमायोन एसिड वहां से निकलते हैं उसको दोबारा से इस्तेमाल कर दिया जाता है तो जहां तक बात रही हीम की हीम को फर्दर डिसिनिग्रेट किया जाता है इंटू आयरन एंड प्रोटोपोरफाइरन ठीक है अच्छा आयरन एज वी नो इट इज अगेन बी रूज और इफ एक्सेस तो इसको बॉडी से एक्सिड आउट किया जाता है लेकिन जहां तक बात रहती है प्रोटोपोरफरिन की इट इज देन कन्वर्टेड इंटू अनकुगेटेड बिलरो सो so, जब आपका फेकोसाइड इस पूरे पाथवे के थ्रू इस पोर्शन तक पहुंचता है जहां पर अनकॉन्जुकेटेड अबिल्यूरोबिन आ जाता है तो वो उस अनकुकेटेडेडेडेडेड अबिल को इन टू द इन्वायरमेंट वो रिलीज आउट कर देता है ठीक है बिकॉज यहां तक इसका काम था उसके बाद खत्म यानी कि यहां तक का जितना भी प्रोसेस था वो कहाँ हो रहा था वो इन साइड द फेकोसाइड हो रहा था अच्छा नाउ यू गॉट वट यू गॉट अनकॉन्जुकेटेडेडेड बिल्यूरोबिन अनकॉन्जुकेटेड अबिल इज बेसिकली वाटर इन्सुलबुल और अगर वाटर इंसुलुबल है सो एज वी नो कि इट कैन नॉट बी एक्सक्रीट आउट फ्रॉम योर बॉडी बिकॉज दिस बिलू अगर ये आपकी बॉडी में एक्सेस हो जाती है सो इट आल्सो एक्ट्स एज Toxic. ये toxic होती है आपके लिए। तो आपको इस रुबिन को अपनी से निकालना है ये सब इसके कुछ भी लेकिन अगर ये ज़्यादा में होती है, है है? तो, तो नो वो हो जाती है ठीक ना व्हाट यू गॉट नाउ यू गॉट अनकॉन्जुकेटेड बिलू रुबिन यू बी आर इस कैचअ बाय एलब्यूमेन एलब्यूमेन्जुकेटेडिन के साथ अटैच होता है और इसको शिफ्ट करता है into the ठीक है और हिपेटोसाइड के अंदर इस अनकोजुकेटेड अबिलो को कन्वर्ट किया जाता है नाउ हियर दिस दिस बिलुबिन नाउर इज वाटर सोलुबिन एंड नाउ इट कैन बी रिलीज आउट फ्रॉम योर बॉडी अच्छा नाउ ये जो कन्वर्जन है फ्रॉम यू बी आर टू सी बी आर यानी अनकॉन्जुकेटेड टू कॉन्जुकेटेडेडेड इट इज कैरीड आउट बाई एन एनजाम यूजीटी यूरोजिन इल ट्रांसफरेज नाउ दिस ट्रांस मीन्स ट्रांसफरेज़ ठीक है अच्छा नाउ वन दिस सी बी आर और कंजुकेटेड बिलुबिन इज फॉर्म इन टू उस सोजुकेट बिलुरुबिन को रिलीज आउट किया जाता है इन फॉर्म ऑफ बाइल ठीक है और वह बायल एजविनो के आती है आपकी इंटेस्टाइन में बिकॉज उसको वहाँ पर कुछ खास किस्म के फंक्शन परफॉर्म करने इन द डायजेशन ऑफ फैट ठीक है अच्छा फ्रॉम इंटेस्टाइन वाय इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया दिस सी और कॉन्जुकेटेड अबिलोरो इज कन्वर्टेड इंटू यूरोबायलिनोजिन यानी वैन दिस कॉन्जुकेटेड बिलोरुबिन कम्स इन द लार्ज इंटेस्टाइन तो वहाँ पर होते हैं एजविनो के बहुत बहुत सारे बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया उस कॉन्जुगेटेड अबिलोरोबिन को कन्वर्ट करते हैं इंटू यूरोबायलिनोजिन दिस यूरोनोजिन इज फर्द इन टू टू फेज दो रास्ते हैं इसके फर्दर एक रास्ता यह है कि बींगर सोलूबल यूरोनोजिन इज एब्सॉर्ब इन द ब्लड वेन दिस यूरोबेलिग्नोजिन इज एब्सॉर्ब इन द ब्लड सो वहां पर होता है एसविनो के हीमोग्लोबिन वो हीमोग्लोबिन इस यूरोबेलिंगजिन को कन्वर्ट कर देता है इन टू यूरोबायलिन और दिस यूरोबायलिन इज एब्सॉर्ब इन द यूरिन वाई अडनीज यानी अडनीज उस ब्लड में से इस यूरोबेलिन को लेती हैं और उसको रिलीज करती हैं इन दूरिनो के आपके जो यूरिन है उसको एक खास किस्म का येलो कलर होता है उसका बिकॉज ऑफ द दिस यूरोलिन सो इसका एक फेज था कि ये यूरोनोजिन आपके इंटेस्टाइन में से आता है आपके यूरिन में दूसरा फेज ये है कि दिस is इज again अगेन by some सम बैक्टीरिया जो कि इसको कन्वर्ट कर दें स्टेरकोबायलिन में

पेटोसाइड हैं, वो लैस होते हैं तो आपकी बॉडी में क्या कॉम्प्लीकेशन क्रिएट होती हैं, जो कि आपको जॉन्ट डिस्कॉज करती हैं। सो एज़ वी डिस्कस डेट कि आपकी बॉडी का जो नॉर्मल प्रोसेस है जिसमें आपका जो आर है वो ब्रेक डाउन होता है एंड टू बिलोबिन एंड उसका जो फर्दर पाथवे है वी हैव डिस्कस दैट है। सो so ये बात करते हैं कि एक्टेरिक फेज में क्या होता है ठीक है और इसके अंदर जो ये खासतौर तो पर जॉन्डिस है इसके जो डिफरेंट करेक्टर्स हैं उसका क्या लिंक है उस पाथवे के साथ जो हम लोगों ने भी डिस्कस किया सो so एक्टेरिक फेज इज करेक्टराइज बाय टू फेजेज ठीक है जॉन्डिस एंड हिपेटोमेंगैली अच्छा जॉन्डिस इज़ अ करेक्टराइज बाय थ्री फीचर्स येलोइंग ऑफ स्किन एंड आई अच्छा ठीक है डी कलराइजेशन ऑफ स्टूल ठीक है एंड डार्कर यूरिन ठीक है अच्छा सो एज वी नो के हेपेटाइटिस के अंदर आपका लिवर डैमेज हो रहा है सो so, उस लिवर डैमेज की वजह से आपके ब्लड के अंदर जो बिलरोबिन बोथ कॉन्जुकेटेड एंड अनकॉन्जुकेटेड की जो अमाउंट है ये जो कंसेंट्रेशन है वो इंक्रीज कर रही है बिकॉज आपका जब हेपेटोसाइट्स डैमेज होंगे और जब आपकी बाइल डेक्ट्यूल्स भी डैमेज होंगी हेपेटोसाइट के डैमेज होने की वजह से अन अकोन्जुकेटेड और बायल डक्ट्यूल के डैमेज होने की वजह से कॉन्जुकेटेड अबिलुरुबिन आपके ब्लड के अंदर आएगा और जब ब्लड के अंदर आएगा तो उसकी कंसनट्रेशन uh, इंक्रीज हो जाएगी और जब इसकी कंसनट्रेशन इंक्रीज होगी सो दिस हाई बिलोर इन ब्लड कॉजेज इट्स डिपोजिशन इन ब्लड लिंक्ड टिश्यूज बिकॉज एज वी नो के ब्लड आपकी पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट करता है लेकिन इस बिल्यू uh, की कुछ खास किस्म की एफिनिटी है कुछ खास टिश्यूज़ uh, की तरफ फॉर एग्जाम्पल स्क्लेरा ऑफ आई ठीक है यानी आपकी आई के अंदर एक टिश्यू है जो कि आपकी रिटेना के नीचे होती है उसको आप लोग कहते हैं स्क्लेरा ठीक है, है? यानी कि वो बिलोरोबिन आके डिपॉजिट हो जाती है इन स्क्लेरा और जब वो आपके स्क्लेरा के अंदर डिपॉजिट होती है तो इट कॉज येलोइंग ऑफ आई और उस येलोइंग ऑफ आई को हम लोग मेडिकल टर्म्स में कहते हैं एक्ट्रेस ठीक है देन दिस अबिल इज आल्सो फैसिनेटेड बाय दिस मीजोडर्म ऑफ यूर स्किन मतलब इट कैन ऑल्सो डिपोजिट इन साइड द मीजोडर्म और फिर वहां से वो येलोइंग ऑफ स्किन कॉज करती है सो दिस वॉज द येलोइंग ऑफ स्किन एंड आई ठीक है सो नाउ लेट एस डिस्कस दैट की स्टूल की डी कलराइजेशन होती है उसकी क्या वजह है मतलब जो आपका स्टूल का कलर पेल येलो से पेल uh, वाइट uh, हो जाता है उसकी क्या रीजन होती है ठीक है अच्छा सो एज बी नो कि जब बाइल अडक्टिव डैमेज होंगी तो बैल की फॉर्मेशन भी कम होगी सो so जब बाइल कम बनेगा सो लो बाइल मीन्स लो बिली रोबिन इन इंटस्टाइन अगर वो इंटस्टाइन में अबिल कम आएगा सो तो लो अबिलोरो रोबिन मीन्स लो स्टर्कोबायरिन बिकॉज उन बैक्टीरिया को कम बिलोरबिन मिलेगा टू कन्वर्ट इट इंटू स्टर्कोबायलिन और जब स्टर्कोबायरिन बिकॉज एज वी नो के इट कॉज द पिगमेंटेशन ऑफ द स्टूल और जब वो चीज़ कम होगी तो इसकी वजह से जो आपका स्टूल है वो भी पेल येलो कलर का हो जाएगा फिर आप इसको क्ले कलर भी कह सकते हैं सो तो ये तो था डी अकलाइजेशन ऑफ स्टूल डार्कर यूरिन की क्या बेसिस हैं इसकी बेस ये है कि वेन दिस अबिलुरुबिन इज बिकम हायर इन योर ब्लड तो वहाँ से ब्लड से वो एब्जॉर्ब होता है इनटू द यूरिन और जब यूरिन में एब्जॉर्ब होगा सो के ब्लड में अगर ज़्यादा है तो यूरिन में भी ज़्यादा आएगा और जब यूरिन में ज्यादा आएगा तो वहां से क्या होगा वहां से आपका यूरिन इन कलर हो जाएगा सो बेसिकली इट वॉज द जॉन्डिस अब आइए बात करते हैं के बारे में हिपेटोमेगैली मीनस इंक्रीमेंट इन द साइज ऑफ लिवर ये क्यों होती है बिकॉज एजविनो के हेपेटाइटिस है मीनस डेट के आपके लिवर की इन्फ्लेमेशन है एंड एजविनो के जब भी किसी ऑर्गन के अंदर इन्फ्लेमेशन होती है तो उससे उसका साइज इंक्रीज कर जाता है अच्छा इसी इन्फ्लेमेशन की वजह से मतलब इसी हिपेटोमेगैली की वजह से आपको होता है राइट अपर कॉर्डेंट एबडोम डिस्कम्फर्ट मतलब आपकी एबडोम कैविटी के राइट right कॉर्डेंट के अपर पोर्शन में आपको पेन हो सकता है बिकॉज नो कि अगर आपके हिपेटोमेगेली है या इन शॉर्ट आपका लिवर इन्फ्लेमेट कर रहा है तो उससे आपको यहां पर डिस्कम्फर्ट भी हो सकती है सो दिस वॉज योर एक्टेक फेज और हम लोगों ने डीप में डिस्कस किया कि हाउ डज दिस सिम्टम्स हैपेन्स और ये किस तरह से होते हैं ठीक है अच्छा नाउ थर्ड फेज इज कन्वलसेंट फेज कन्वलसेंट फेज मीनस रिकवरी ऑफ ऑल द अबव मतलब कि तमाम के तमाम जो कॉम्प्लीकेशन आपकी बॉडी के अंदर हो रही हैं ये

यानी एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स और जब वो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स आपके ब्लड में आएगा तो आपके ब्लड से पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट करेगा और जब वो एंटीजन एंड एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स आपकी पूरी बॉडी में सर्कुलेट करेगा सो एक बात नोट कीजिएगा कि जो आपका एंटीजन एंड एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स है ये बहुत ही स्टिकी होता है यानी ये हर चीज के साथ स्टिक कर जाता है फिर एंटीजन और एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनने का मतलब ये होता है कि एंटीबॉडी जाके उस वायरल एंटीजन के ऊपर लगते हैं और जब फेगोसाइट आते हैं तो वो एंटीबॉडी उस पैथोजन को ईट करने में ईट करवाने में मदद करती है मीन्स डैट के एंटीजन एंड एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स फेगोसाइट को अट्रैक्ट करेंगे और जहाँ पर जिस चीज़ के साथ ये एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स अटैच होगा वो फेगोसाइट उन तमाम चीज़ को या अगर वो सैडोटॉक्सिक सेल है तो वो उस चीज़ को जिसके साथ ये अटैच है उसको वो किल कर देंगे सो so बेसिकली जब ये आपकी पूरी बॉडी में सर्कुलेट करती हैं तो ये अटैच हो जाती हैं आपके जॉइंट्स के साथ और आपको अकॉस कराती हैं आर्थराइटिस एंड शॉर्ट ज्वाइंट इन्फेक्शन ठीक है इसके अलावा ये आपकी सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर भी आपकी ब्लड वेसल्स के साथ भी अटैच होती हैं और वहाँ से आपको कॉज कराती हैं वेस्कुलइटिस वेस्कुलटिस मीन्स सर्कुलेटरी सिस्टम इफेक्शन इसके अलावा आपकी ये हार्ट मसल के साथ भी अटैच कर सकती हैं हार्ट मसल में दो चीज़ें एक है मायोकार्डियम यानी कि मसल ऑफ हार्ट्स और एक है पेरिकार्डियम या फिर मेमब्रेन ऑफ हार्ट ये जो आपकी एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स है इस वायरस की ये अटैच करती है इन दोनों के साथ और वहाँ पर भी ये इन्फेक्शन कॉज करती है अच्छा बिकॉज ऑफ हार्ट इन्फेक्शन आपको हो सकता है मायोकार्डियल इन्फेक्शन इन शॉर्ट हार्ट अटैक इसके अलावा इट कैन ऑल्सो कॉज यू ग्लोमिरुलटिस यानी कि इन्फेक्शन ऑफ ग्लोमिरुलस यानी कि किडनी के नेफ्रॉन के ग्लोमिरुलस का इन्फेक्शन बिकॉज ऑफ द सेम रीजन इसके अलावा मेनिंगटाइटिस ठीक है यानी आपकी ब्रेन की जो मेनिंग है जो आपकी कवरिंग है ब्रेन की उसका इन्फेक्शन इसके अलावा हीमोलाइटिक एनीमिया यानी कि ये जो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स है ये जाएंगे और आर के साथ अटैच हो जाएंगे और आर के साथ जब अटैच होंगे तो वहां से फेगोसाइड उन आर बी सी को पीट कर लेंगे देन इट कैन आल्सो कॉज यू थ्रोम्बोसाइटोप्रीनिया या इन शॉर्ट डिक्रीमेंट इन द थ्रोम्बोसाइट्स या फिर प्लेटलेट्स सेम रीजन होगा कि एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स गए प्लेटलेट के साथ अटैच हो गए और जब फेकोसाइट उस एंटीजन, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स को ईट करने के लिए आएंगे, तो वो साथ साथ इन प्लेटलेट्स को भी ईट कर लेंगे न्यूट्रोपेनिया सेम रीज़न के आपकी एंटीजन, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स गए और जाके न्यूट्रोफ़िल के साथ अटैच हो गए और वहाँ से उनकी भी डेथ कॉज कर दी बाय सम ऑदर इम्यून सेल्स सो दिस वॉज इट विद द सिम्टम्स ऑफ दिस पर्टिकुलर हेपेटाइटिस सो एक चीज रह गई विद इज द डायग्नोसिस यानी कि सीरोलॉजिकल स्टडीज ऑफ दट पर्टिकुलर हेपेटाइटिस इन फ्यूचर इनशाला वी विल डिस्कस दैट लेकिन अब तक के लिए इट वॉज इट विद दिस डिजीज इफ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज शेयर इट विद फ्रेंड्स और एनी वन जिसको भी इस वीडियो की जरूरत है थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो हैवे अुड बाई